वेल तो जी अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं चाहे वो बॉलीवुड की हो हॉलीवुड की हो या फिर आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से कोई सीरीज़ देखने को मिल रही हो तो अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों ने ऑब्वियसली टीवीएफ का नेम तो सुन रखा होगा जिनके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो द वायरल फीवर जो है वो इनका फुल फॉर्म है फीवर आई थिंक बोला जाता है उसे तो द वायरल फ़ीवर जो है वो उनका कम्प्लीट नेम है जो कि एक प्रोडक्शन हाउस है एंड यहाँ पर उसी प्रोडक्शन हाउस की जानब से हमें जो भी सीरीज़ देखने को मिलती है वो वन ऑफ द बेस्ट होती है हाँ उसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर रहे हैं आप लोगों ने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा आज किस वीडियो में भी हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ टी का एक शो आया था एक सीज़न आया था पंचायत नेम से जिसके तीन सीजन अभी तक आ चुके हैं अगर मैं बात करूँ फ़र्स्ट सीज़न की तो 2020 में उसे रिलीज़ किया गया थर्ड ऑफ़ अप्रैल को और उसके बाद सेकेंड सीज़न आया वो आया जी एटीन ऑफ मई को एंड उसके बाद सेकेंड सीज़न के बाद जब थर्ड सीज़न रिलीज़ किया गया वो किया गया इसी साल में ट्वेंटी एट्थ ऑफ़ मई को 2024 में इसे रिलीज़ कर दिया गया था तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं जी हाँ पंचायत सीज़न का नेम है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड आप लोग उसके बारे में जानते ही होंगे आप लोग उस मूवी के बारे में भी जानते हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को पता है इस मूवी के बारे में भी इस सीरीज़ के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना चाहिए इस मूवी को इस सीरीज़ को क्योंकि काफ़ी अच्छी ये सीरीज़ बनाई गई Yeah. और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी सीरीज के बारे में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि यह सीरीज बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइन लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शिगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने फ़र्स्ट सीज़न सेकेंड सीजन एंड थर्ड सीजन की कम्प्लीट डिटेल्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कास्टिंग पर कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे जितेंद्र कुमार देखने को मिलेंगे रघुबीर यादव देखने को मिलेंगे नीना गुप्ता देखने को मिल जाएंगे चंदन रॉय देखने को मिलेंगे फैसल मलिक देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर इस ड्रामा के अंदर इस सीज़न के अंदर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा तो ये एक ड्रामेटिकल सीरीज़ बनाई गई है जिसके अंदर आप लोगों को ड्रामा भरपूर अंदाज में देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी ड्रामा लवर हैं आप लोगों को ड्रामा देखना पसंद है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी सीरीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस सीरीज़ की आई रेटिंग क्या है और इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज़ की आई रेटिंग जो है वो काफी अच्छी रखी गई है यहां पर नाइन आउट ऑफ टेन सीरीज की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी आई एमडीबी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानव से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइनटी फोर परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस सीरीज को एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से यह सीरीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें गूगल के यूजर्स की परसेंटेज पर तो 94 परसेंट तक इस सीरीज़ को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी सीरीज़ है तो आप लोगों को डेफिनेटली इसे एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें कि इस सीरीज़ की जो है वो आप लोगों को डायरेक्शन को हैंडल करते हुए कौन नजर आने वाले हैं तो दीपक कुमार मिश्रा इस सीरीज़ की डायरेक्शन को हैंडल करते हुए नज़र आते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने और भी बहुत सारी मूवीज और सीरीज वगैरह प्रेजेंट की हैं जिनमें पंचायत के अलावा हॉस्टल डेज गुल्लक कोटा फैक्ट्री इमेचर परमानेंट रोमेट्स और भी ऐसी बहुत सारी जो है वो आप लोगों के सामने सीरीज प्रजेंट की है अभी हम आते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब के ये सीरीज किस लैंग्वेज में है और अभी फाइनली ये आप लोगों को कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिल रही है देखने को मिल भी रही है या नहीं इस चीज़ पर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये सीरीज जो है प्योर हिंदी जुबान की सीरीज बनाई गई है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रही है ईजिली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को इस सीरीज को इंजॉय कर सकते हैं एमेजॉन प्राइम वीडियो पर यह वहां पर अवेलेबल कर दी गई वेल तो जी अगर आप लोग सीरीज वगैरह देखना पसंद करते हैं चाहे वो बॉलीवुड की हो हॉलीवुड की हो या फिर आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज की तरफ से कोई सीरीज देखने को मिल रही हो तो अगर आप लोग सीरीज वगैरह देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों ने ऑब्वियसली टीवीएफ का नेम तो सुन रखा होगा जिनके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो द वायरल फीवर जो है वो इनका फुल फॉर्म है फीवर आई थिंक बोला जाता है उसे तो द वायरल फीवर जो है वो उनका कंप्लीट नेम है जो कि एक प्रोडक्शन हाउस है एंड यहां पर उसी प्रोडक्शन हाउस की जानब से हमें जो भी सीरीज देखने को मिलती है वो वन ऑफ द बेस्ट होती है हां उसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर रहे हैं आप लोगों ने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा आज की इस वीडियो में भी हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ टी का एक शो आया था एक सीज़न आया था पंचायत नेम से जिसके तीन सीजन्स अभी तक आ चुके हैं अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सीज़न की तो 2020 में उसे रिलीज़ किया गया थर्ड ऑफ़ अप्रैल को और उसके बाद सेकेंड सीज़न आया वो आया जी एटीनथ ऑफ मई को एंड उसके बाद सेकेंड सीज़न के बाद जब थर्ड सीज़न रिलीज़ किया गया वो किया गया इसी साल में तो, ट्वेंटी एट्थ ऑफ मई को 2024 में इसे रिलीज़ कर दिया गया था तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं जी हाँ पंचायत सीजन का नेम है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड आप लोग उसके बारे में जानते ही होंगे आप लोग उस मूवी के बारे में भी जानते हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को पता है इस मूवी के बारे में भी इस सीरीज़ के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना चाहिए इस मूवी को इस सीरीज़ को क्योंकि काफ़ी अच्छी ये सीरीज़ बनाई गई है और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी सीरीज के बारे में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये सीरीज बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड एंड अभी फाइनली ये कहां पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइट स्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शिगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने फ़र्स्ट सीज़न सेकेंड सीजन एंड थर्ड सीजन की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कास्टिंग पर कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे जितेंद्र कुमार देखने को मिलेंगे रघुबीर यादव देखने को मिलेंगे नीना गुप्ता देखने को मिल जाएंगे चंदन रॉय देखने को मिलेंगे फैसल मलिक देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर इस ड्रामा के अंदर इस सीज़न के अंदर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा तो ये एक ड्रामेटिकल सीरीज़ बनाई गई है जिसके अंदर आप लोगों को ड्रामा भरपूर अंदाज में देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी ड्रामा लवर हैं आप लोगों को ड्रामा देखना पसंद है तो आप लोगों को डेफ़िनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी सीरीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस सीरीज़ की आई रेटिंग क्या है और इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज़ की आई रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है यहाँ पर नाइन आउट ऑफ इस सीरीज़ की आई अच्छी खासी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानवर से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइन्टी फोर परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस सीरीज को एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये सीरीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें गूगल के यूज़र्स की परसेंटेज पर तो 94 परसेंट तक इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी सीरीज़ है तो आप लोगों को डेफिनेटली इसे एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें कि इस सीरीज़ की जो है वो आप लोगों को डायरेक्शन को हैंडल करते हुए कौन नज़र आने वाले हैं तो दीपक कुमार मिश्रा इस सीरीज़ की डायरेक्शन को हैंडल करते हुए नज़र आते हैं जिन्होंने अपना किरदार और बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने और भी बहुत सारी मूवीज और सीरीज वगैरह प्रेजेंट की है जिनमें पंचायत के अलावा हॉस्टल डेज गुल्लक कोटा फैक्ट्री इमेच्योर परमानेंट रोमेट्स और भी ऐसी बहुत सारी जो है वो आप लोगों के सामने सीरीज प्रजेंट की है अभी हम आते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब के ये सीरीज किस लैंग्वेज में है और अभी फाइनली ये आप लोगों को कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिल रही है देखने को मिल भी रही है या नहीं इस चीज़ पर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सीरीज जो है वो प्योर हिंदी जुबान की सीरीज बनाई गई है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रही है इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई वेल तो जी अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं चाहे वो बॉलीवुड की हो हॉलीवुड की हो या फिर आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से कोई सीरीज़ देखने को मिल रही हो तो अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों ने ऑब्वियसली टी का नेम तो सुन रखा होगा जिनके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो दायरल फेवर जो है वो इनका फुल फॉर्म है फीवर आई थिंक बोला जाता है उसे तो द वायरल फ़ीवर जो है वो उनका कम्प्लीट नेम है जो कि एक प्रोडक्शन हाउस है एंड यहाँ पर उसी प्रोडक्शन हाउस की जानब से हमें जो भी सीरीज़ देखने को मिलती है वो वन ऑफ द बेस्ट होती है हाँ उसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर रहे हैं आप लोगों ने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा आज किस वीडियो में भी हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ टी का एक शो आया था एक सीज़न आया था पंचायत नेम से जिसके तीन सीजन अभी तक आ चुके हैं अगर मैं बात करूँ फ़र्स्ट सीज़न की तो दो हज़ार बीस में उसे रिलीज़ किया गया थर्ड ऑफ़ अप्रैल को और उसके बाद सेकेंड सीज़न आया वो आया जी एटीन ऑफ मई को एंड उसके बाद सेकेंड सीज़न के बाद जब थर्ड सीज़न रिलीज़ किया गया वो किया गया इसी साल में तो, ट्वेंटी एट्थ ऑफ़ मई को 2024 में इसे रिलीज़ कर दिया गया था तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं जी हाँ पंचायत सीजन का नेम है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड आप लोग उसके बारे में जानते ही होंगे आप लोग उस मूवी के बारे में भी जानते हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को पता है इस मूवी के बारे में भी इस सीरीज़ के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना चाहिए इस मूवी को इस सीरीज़ को क्योंकि काफ़ी अच्छी ये सीरीज़ बनाई गई है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी सीरीज के बारे में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि यह सीरीज बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लगे लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शिगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने फर्स्ट सीजन सेकंड सीज़न एंड थर्ड सीज़न की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कास्टिंग पर कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे जितेंद्र कुमार देखने को मिलेंगे रघुबीर यादव देखने को मिलेंगे नीना गुप्ता देखने को मिल जाएंगी चंदन रॉय देखने को मिलेंगे फैसल मलिक देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर इस ड्रामा के अंदर इस सीजन के अंदर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा तो ये एक ड्रामेटिकल सीरीज बनाई गई है जिसके अंदर आप लोगों को ड्रामा भरपूर अंदाज में देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी ड्रामा लवर हैं आप लोगों को ड्रामा देखना पसंद है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी सीरीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस सीरीज़ की आई रेटिंग क्या है और इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज़ की आई रेटिंग जो है वो काफी अच्छी रखी गई है यहां पर नाइन आउट ऑफ टेन की आई अच्छी खासी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस सीरीज को गूगल के यूज़र्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज़ को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइनटी फोर परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस सीरीज को एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से यह सीरीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें गूगल के यूज़र्स की परसेंटेज पर तो 94 परसेंट तक इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी सीरीज़ है तो आप लोगों को डेफिनेटली इसे एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें कि इस सीरीज़ की जो है वो आप लोगों को डायरेक्शन को हैंडल करते हुए कौन नज़र आने वाले हैं तो दीपक कुमार मिश्रा इस सीरीज़ की डायरेक्शन को हैंडल करते हुए नज़र आते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने और भी बहुत सारी मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह प्रेजेंट की है जिनमें पंचायत के अलावा हॉस्टल डेज गुल्लक कोटा फैक्ट्री इमेच्योर परमानेंट रोमेट्स और भी ऐसी बहुत सारी जो है वो आप लोगों के सामने सीरीज़ प्रजेंट की है अभी हम आते हैं सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब के ये सीरीज़ किस लैंग्वेज में है और अभी फाइनली ये आप लोगों को कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिल रही है देखने को मिल भी रही है या नहीं इस चीज़ पर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सीरीज जो है वो प्योर हिंदी जुबान की सीरीज बनाई गई है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रही है इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर यह वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई वेल तो जी अगर आप लोग सीरीज वगैरह देखना पसंद करते हैं चाहे वो बॉलीवुड की हो हॉलीवुड की हो या फिर आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज की तरफ से कोई सीरीज देखने को मिल रही हो तो अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों ने ऑब्वियसली टी का नेम तो सुन रखा होगा जिनके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो द वायरल फीवर जो है वो इनका फुल फॉर्म है फीवर आई थिंक बोला जाता है उसे तो द वायरल फ़ीवर जो है वो उनका कंप्लीट नेम है जो कि एक प्रोडक्शन हाउस है एंड यहाँ पर उसी प्रोडक्शन हाउस की जानब से हमें जो भी सीरीज़ देखने को मिलती है वो वन ऑफ़ द बेस्ट होती है हाँ उसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर रहे हैं आप लोगों ने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा आज किस वीडियो में भी हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ टी का एक शो आया था एक सीज़न आया था पंचायत नेम से जिसके तीन सीजन अभी तक आ चुके हैं अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सीज़न की तो दो हज़ार बीस में उसे रिलीज़ किया गया थर्ड ऑफ़ अप्रैल को और उसके बाद सेकेंड सीज़न आया वो आया जी एटीनथ ऑफ मई को एंड उसके बाद सेकेंड सीज़न के बाद जब थर्ड सीज़न रिलीज़ किया गया वो किया गया इसी साल में ट्वेंटी ऑफ़ मई को 2024 में इसे रिलीज़ कर दिया गया था तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं जी हाँ पंचायत सीजन का नेम है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड आप लोग उसके बारे में जानते ही होंगे आप लोग उस मूवी के बारे में भी जानते हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को पता है इस मूवी के बारे में भी इस सीरीज़ के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना चाहिए इस मूवी को इस सीरीज़ को क्योंकि काफ़ी अच्छी ये सीरीज़ बनाई गई है Yeah. और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी सीरीज के बारे में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये सीरीज बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइन लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शिगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आ, आप लोगों के सामने फर्स्ट सीजन सेकंड सीजन एंड थर्ड सीजन की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कास्टिंग पर कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे जितेंद्र कुमार देखने को मिलेंगे रघुबीर यादव देखने को मिलेंगे नीना गुप्ता देखने को मिल जाएंगी चंदन रॉय देखने को मिलेंगे फैसल मलिक देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर इस ड्रामा के अंदर इस सीज़न के अंदर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा तो ये एक ड्रामेटिकल सीरीज़ बनाई गई है जिसके अंदर आप लोगों को ड्रामा भरपूर अंदाज में देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी ड्रामा लवर हैं आप लोगों को ड्रामा देखना पसंद है तो आप लोगों को डेफ़िनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी सीरीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस सीरीज़ की आई रेटिंग क्या है और इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज़ की आई रेटिंग जो है वो तो काफ़ी अच्छी रखी गई है यहां पर नाइन आउट ऑफ टेन सीरीज की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानवर से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइन्टी फोर परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस सीरीज को एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से यह सीरीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े बड़े बात करें गूगल के यूजर्स की परसेंटेज पर तो 94 परसेंट तक इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानव से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी सीरीज है तो आप लोगों को डेफिनेटली इसे एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें कि इस सीरीज की जो है वो आप लोगों को डायरेक्शन को हैंडल करते हुए कौन नजर आने वाले हैं तो दीपक कुमार मिश्रा इस सीरीज की डायरेक्शन को हैंडल करते हुए नजर आते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने और भी बहुत सारी मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह प्रेजेंट की है जिनमें पंचायत के अलावा हॉस्टल डेज गुल्लक कोटा फैक्ट्री इमेचर परमानेंट रोमेट्स और भी ऐसी बहुत सारी जो है वो आप लोगों के सामने सीरीज़ प्रेजेंट की है अभी हम आते हैं सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब के ये सीरीज़ किस लैंग्वेज में है और अभी फाइनली ये आप लोगों को कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिल रही है देखने को मिल भी रही है या नहीं इस चीज़ पर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सीरीज जो है वो प्योर हिंदी जुबान की सीरीज बनाई गई है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रही है इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को इस सीरीज को इंजॉय कर सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई वेल well, तो जी अगर आप लोग सीरीज़ वग़ैरह देखना पसंद करते हैं चाहे वो बॉलीवुड की हो हॉलीवुड की हो या फिर आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से कोई सीरीज़ देखने को मिल रही हो तो अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों ने ऑब्वियसली टी का नेम तो सुन रखा होगा जिनके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो द वायरल फेवर जो है वो इनका फुल फॉर्म है फीवर आई थिंक बोला जाता है उसे तो द वायरल फ़ीवर जो है वो उनका कम्प्लीट नेम है जो कि एक प्रोडक्शन हाउस है एंड यहाँ पर उसी प्रोडक्शन हाउस की जानब से हमें जो भी सीरीज़ देखने को मिलती है वो वन ऑफ द बेस्ट होती है हाँ उसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर रहे हैं आप लोगों ने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा आज किस वीडियो में भी हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ टी का एक शो आया था एक सीज़न आया था पंचायत नेम से जिसके तीन सीजन अभी तक आ चुके हैं अगर मैं बात करूँ फ़र्स्ट सीज़न की तो दो हज़ार बीस में ये रिलीज़ किया गया थर्ड ऑफ़ अप्रैल को और उसके बाद सेकेंड सीज़न आया वो आया जी एटीनथ ऑफ मई को एंड उसके बाद सेकेंड सीज़न के बाद जब थर्ड सीज़न रिलीज़ किया गया वो किया गया इसी साल में तो, ट्वेंटी एट्थ ऑफ़ मई को 2024 में इसे रिलीज़ कर दिया गया था तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं जी हाँ पंचायत सीजन का नेम है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड आप लोग उसके बारे में जानते ही होंगे आप लोग उस मूवी के बारे में भी जानते हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को पता है इस मूवी के बारे में भी इस सीरीज़ के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना चाहिए इस मूवी को इस सीरीज़ को क्योंकि काफ़ी अच्छी ये सीरीज़ बनाई गई है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी सीरीज के बारे में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि यह सीरीज बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली यह यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शिगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने फ़र्स्ट सीज़न सेकेंड सीजन एंड थर्ड सीजन की कम्प्लीट डिटेल्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कास्टिंग पर कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे जितेंद्र कुमार देखने को मिलेंगे रघुबीर यादव देखने को मिलेंगे नीना गुप्ता देखने को मिल जाएंगे चंदन रॉय देखने को मिलेंगे फैसल मलिक देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर इस ड्रामा के अंदर इस सीज़न के अंदर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा तो ये एक ड्रामेटिकल सीरीज़ बनाई गई है जिसके अंदर आप लोगों को ड्रामा भरपूर अंदाज़ में देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी ड्रामा लवर हैं आप लोगों को ड्रामा देखना पसंद है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी सीरीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस सीरीज़ की आई रेटिंग क्या है और इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज़ की आई रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है यहाँ पर नाइन आउट ऑफ टेन इस सीरीज़ की आई अच्छी खासी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस सीरीज़ को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइन्टी फोर परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस सीरीज को एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सीरीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें गूगल के यूज़र्स की परसेंटेज पर तो 94 परसेंट तक इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी सीरीज़ है तो आप लोगों को डेफिनेटली इसे एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें कि इस सीरीज़ की जो है वो आप लोगों को डायरेक्शन को हैंडल करते हुए कौन नज़र आने वाले हैं तो दीपक कुमार मिश्रा इस सीरीज़ की डायरेक्शन को हैंडल करते हुए नज़र आते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने और भी बहुत सारी मूवीज और सीरीज वगैरह प्रेजेंट की है जिनमें पंचायत के अलावा हॉस्टल डेज गुल्लक कोटा फैक्ट्री इमेच्योर परमानेंट रोमेट्स और भी ऐसी बहुत सारी जो है वो आप लोगों के सामने सीरीज प्रेजेंट की है अभी हम आते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब के ये सीरीज किस लैंग्वेज में है और अभी फाइनली ये आप लोगों को कहां पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिल रही है देखने को मिल भी रही है या नहीं इस चीज पर हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सीरीज जो है वो प्योर हिंदी जुबान की सीरीज बनाई गई है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रही है इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं एमेजॉन प्राइम वीडियो पर यह वहां पर अवेलेबल कर दी गई वेल तो जी अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं चाहे वो बॉलीवुड की हो हॉलीवुड की हो या फिर आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से कोई सीरीज़ देखने को मिल रही हो तो अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों ने ऑब्वियसली टी का नेम तो सुन रखा होगा जिनके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो दायरल फेवर जो है वो इनका फुल फॉर्म है फीवर आई थिंक बोला जाता है उसे तो द वायरल फ़ीवर जो है वो उनका कम्प्लीट नेम है जो कि एक प्रोडक्शन हाउस है एंड यहाँ पर उसी प्रोडक्शन हाउस की जानब से हमें जो भी सीरीज़ देखने को मिलती है वो वन ऑफ द बेस्ट होती है हाँ उसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर रहे हैं आप लोगों ने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा आज किस वीडियो में भी हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ टी का एक शो आया था एक सीज़न आया था पंचायत नेम से जिसके तीन सीजन अभी तक आ चुके हैं अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सीज़न की तो दो हज़ार बीस में से रिलीज़ किया गया थर्ड ऑफ अप्रैल को और उसके बाद सेकेंड सीज़न आया वो आया जी एटीनथ ऑफ मई को एंड उसके बाद सेकेंड सीज़न के बाद जब थर्ड सीज़न रिलीज़ किया गया वो किया गया इसी साल में तो, ट्वेंटी एट्थ ऑफ़ मई को 2024 में इसे रिलीज़ कर दिया गया था तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं जी हाँ पंचायत सीजन का नेम है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड आप लोग उसके बारे में जानते ही होंगे आप लोग उस मूवी के बारे में भी जानते हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को पता है इस मूवी के बारे में भी इस सीरीज़ के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना चाहिए इस मूवी को इस सीरीज़ को क्योंकि काफ़ी अच्छी ये सीरीज़ बनाई गई Yeah. और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी सीरीज के बारे में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि यह सीरीज बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लगे लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शिगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने फ़र्स्ट सीज़न सेकेंड सीजन एंड थर्ड सीज़न की कम्प्लीट डिटेल्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कास्टिंग पर कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे जितेंद्र कुमार देखने को मिलेंगे रघुबीर यादव देखने को मिलेंगे नीना गुप्ता देखने को मिल जाएंगी चंदन रॉय देखने को मिलेंगे फैसल मलिक देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर इस ड्रामा के अंदर इस सीज़न के अंदर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा तो ये एक ड्रामेटिकल सीरीज़ बनाई गई है जिसके अंदर आप लोगों को ड्रामा भरपूर अंदाज में देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी ड्रामा लवर हैं आप लोगों को ड्रामा देखना पसंद है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी सीरीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस सीरीज़ की आई रेटिंग क्या है और इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज़ की आई रेटिंग जो है वो काफी अच्छी रखी गई है यहां पर नाइन आउट ऑफ टेन सीरीज की आईएमडी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइनटी तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस सीरीज को एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से यह सीरीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें गूगल के यूजर्स की परसेंटेज पर तो 94 परसेंट तक इस सीरीज़ को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी सीरीज़ है तो आप लोगों को डेफिनेटली इसे एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें कि इस सीरीज़ की जो है वो आप लोगों को डायरेक्शन को हैंडल करते हुए कौन नजर आने वाले हैं तो दीपक कुमार मिश्रा इस सीरीज़ की डायरेक्शन को हैंडल करते हुए नज़र आते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने और भी बहुत सारी मूवीज और सीरीज वगैरह प्रेजेंट की है जिनमें पंचायत के अलावा हॉस्टल डेज गुल्लक कोटा फैक्ट्री इमेच्योर परमानेंट रोमेट्स और भी ऐसी बहुत सारी जो है वो आप लोगों के सामने सीरीज प्रेजेंट की है अभी हम आते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब के ये सीरीज किस लैंग्वेज में है और अभी फाइनली ये आप लोगों को कहां पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिल रही है देखने को मिल भी रही है या नहीं इस चीज पर हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सीरीज जो है वो प्योर हिंदी जुबान की सीरीज बनाई गई है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रही है इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई वेल तो जी अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं चाहे वो बॉलीवुड की हो हॉलीवुड की हो या फिर आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से कोई सीरीज़ देखने को मिल रही हो तो अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों ने ऑब्वियसली टी का नेम तो सुन रखा होगा जिनके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो द वायरल फीवर जो है वो इनका फुल फॉर्म है फीवर आई थिंक बोला जाता है उसे तो द वायरल फ़ीवर जो है वो उनका कम्प्लीट नेम है जो कि एक प्रोडक्शन हाउस है एंड यहाँ पर उसी प्रोडक्शन हाउस की जानब से हमें जो भी सीरीज़ देखने को मिलती है वो वन ऑफ द बेस्ट होती है हाँ उसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर रहे हैं आप लोगों ने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा आज किस वीडियो में भी हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ टी का एक शो आया था एक सीज़न आया था पंचायत नेम से जिसके तीन सीजन अभी तक आ चुके हैं अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सीज़न की तो दो हज़ार बीस में उसे रिलीज़ किया गया थर्ड ऑफ़ अप्रैल को और उसके बाद सेकेंड सीज़न आया वो आया जी एटीनथ ऑफ मई को एंड उसके बाद सेकेंड सीज़न के बाद जब थर्ड सीज़न रिलीज़ किया गया वो किया गया इसी साल में ट्वेंटी ऑफ़ मई को 2024 में इसे रिलीज़ कर दिया गया था तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं जी हाँ पंचायत सीजन का नेम है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड आप लोग उसके बारे में जानते ही होंगे आप लोग उस मूवी के बारे में भी जानते हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को पता है इस मूवी के बारे में भी इस सीरीज़ के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना चाहिए इस मूवी को इस सीरीज़ को क्योंकि काफ़ी अच्छी ये सीरीज़ बनाई गई है Yeah. और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी सीरीज के बारे में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये सीरीज बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइन लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने फ़र्स्ट सीजन सेकंड सीजन एंड थर्ड सीजन की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कास्टिंग पर कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे जितेंद्र कुमार देखने को मिलेंगे रघुबीर यादव देखने को मिलेंगे नीना गुप्ता देखने को मिल जाएंगी चंदन रॉय देखने को मिलेंगे फैसल मलिक देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी फी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर इस ड्रामा के अंदर इस सीज़न के अंदर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा तो ये एक ड्रामेटिकल सीरीज़ बनाई गई है जिसके अंदर आप लोगों को ड्रामा भरपूर अंदाज में देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी ड्रामा लवर हैं आप लोगों को ड्रामा देखना पसंद है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी सीरीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस सीरीज़ की आई रेटिंग क्या है और इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज़ की आई रेटिंग जो है वो तो काफी अच्छी रखी गई है यहाँ पर नाइन आउट ऑफ टेनज की आई एम डी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस सीरीज को गूगल के यूज़र्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइन्टी फोर परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस सीरीज को एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से यह सीरीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें गूगल के यूजर्स की परसेंटेज पर तो 94 परसेंट तक इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी सीरीज है तो आप लोगों को डेफिनेटली इसे एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें कि इस सीरीज की जो है वो आप लोगों को डायरेक्शन को हैंडल करते हुए कौन नजर आने वाले हैं तो दीपक कुमार मिश्रा इस सीरीज की डायरेक्शन को हैंडल करते हुए नजर आते हैं जिन्होंने अपना किरदार और बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने और भी बहुत सारी मूवीज और सीरीज वगैरह प्रेजेंट की है जिनमें पंचायत के अलावा हॉस्टल डेज गुल्लक कोटा फैक्ट्री इमेच्योर परमानेंट रोमेट्स और भी ऐसी बहुत सारी जो है वो आप लोगों के सामने सीरीज प्रेजेंट की है अभी हम आते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब के ये सीरीज किस लैंग्वेज में है और अभी फाइनली ये आप लोगों को कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिल रही है देखने को मिल भी रही है या नहीं इस चीज पर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सीरीज जो है वो प्योर हिंदी जुबान की सीरीज बनाई गई है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रही है इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को इस सीरीज को इंजॉय कर सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई वेल well, तो जी अगर आप लोग सीरीज़ वग़ैरह देखना पसंद करते हैं चाहे वो बॉलीवुड की हो हॉलीवुड की हो या फिर आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से कोई सीरीज़ देखने को मिल रही हो तो अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों ने ऑब्वियसली टी का नेम तो सुन रखा होगा जिनके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो द वायरल फीवर जो है वो इनका फुल फॉर्म है फीवर आई थिंक बोला जाता है उसे तो द वायरल फ़ीवर जो है वो उनका कम्प्लीट नेम है जो कि एक प्रोडक्शन हाउस है एंड यहाँ पर उसी प्रोडक्शन हाउस की जानब से हमें जो भी सीरीज़ देखने को मिलती है वो वन ऑफ द बेस्ट होती है हाँ उसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर रहे हैं आप लोगों ने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा आज किस वीडियो में भी हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ टी का एक शो आया था एक सीज़न आया था पंचायत नेम से जिसके तीन सीजन अभी तक आ चुके हैं अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सीज़न की तो दो हज़ार बीस में से रिलीज़ किया गया थर्ड ऑफ़ अप्रैल को और उसके बाद सेकेंड सीज़न आया वो आया जी एटीनथ ऑफ मई को एंड उसके बाद सेकेंड सीज़न के बाद जब थर्ड सीज़न रिलीज़ किया गया वो किया गया इसी साल में ट्वेंटी एथ ऑफ़ मई को 2024 में इसे रिलीज़ कर दिया गया था तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं जी हाँ पंचायत सीजन का नेम है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड आप लोग उसके बारे में जानते ही होंगे आप लोग उस मूवी के बारे में भी जानते हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को पता है इस मूवी के बारे में भी इस सीरीज़ के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना चाहिए इस मूवी को इस सीरीज़ को क्योंकि काफ़ी अच्छी ये सीरीज़ बनाई गई है और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी सीरीज के बारे में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये सीरीज बेसिकली किस 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 तरह की 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 बनाई गई 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 पर पर रिलीज की गए, किस रिलीज लैंग्वेज लैंग्वेज में में एंड एंड अभी फाइनली ये कहां पर किस में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शिगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आ, आप लोगों के सामने फ़र्स्ट सीज़न सेकेंड सीजन एंड थर्ड सीज़न की कम्प्लीट डिटेल्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कास्टिंग पर कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे जितेंद्र कुमार देखने को मिलेंगे रघुबीर यादव देखने को मिलेंगे नीना गुप्ता देखने को मिल जाएंगे चंदन रॉय देखने को मिलेंगे फैसल मलिक देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर इस ड्रामा के अंदर इस सीज़न के अंदर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा तो ये एक ड्रामेटिकल सीरीज़ बनाई गई है जिसके अंदर आप लोगों को ड्रामा भरपूर अंदाज़ में देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी ड्रामा लवर हैं आप लोगों को ड्रामा देखना पसंद है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी सीरीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस सीरीज़ की आई रेटिंग क्या है और इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज़ की आई रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है यहाँ पर नाइन आउट ऑफ इस सीरीज़ की आई अच्छी खासी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस सीरीज़ को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइन्टी फोर परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस सीरीज को एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सीरीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें गूगल के यूज़र्स की परसेंटेज पर तो 94 परसेंट तक इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी सीरीज़ है तो आप लोगों को डेफिनेटली इसे एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें कि इस सीरीज़ की जो है वो आप लोगों को डायरेक्शन को हैंडल करते हुए कौन नज़र आने वाले हैं तो दीपक कुमार मिश्रा इस सीरीज़ की डायरेक्शन को हैंडल करते हुए नज़र आते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने और भी बहुत सारी मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह प्रेजेंट की है जिनमें पंचायत के अलावा हॉस्टल डेज गुल्लक कोटा फैक्ट्री इमेच्योर परमानेंट रोमेट्स और भी ऐसी बहुत सारी जो है वो आप लोगों के सामने सीरीज़ प्रेजेंट की है अभी हम आते हैं सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब के ये सीरीज़ किस लैंग्वेज में है और अभी फाइनली ये आप लोगों को कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिल रही है देखने को मिल भी रही है या नहीं इस चीज़ पर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सीरीज जो है वो प्योर हिंदी जुबान की सीरीज बनाई गई है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रही है इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को इस सीरीज को इंजॉय कर सकते हैं अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर यह वहां पर अवेलेबल कर दी गई वेल well, तो जी अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं चाहे वो बॉलीवुड की हो हॉलीवुड की हो या फिर आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से कोई सीरीज़ देखने को मिल रही हो तो अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों ने ऑब्वियसली टी का नेम तो सुन रखा होगा जिनके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो द वायरल फीवर जो है वो इनका फुल फॉर्म है फीवर आई थिंक बोला जाता है उसे तो द वायरल फ़ीवर जो है वो उनका कम्प्लीट नेम है जो कि एक प्रोडक्शन हाउस है एंड यहाँ पर उसी प्रोडक्शन हाउस की जानब से हमें जो भी सीरीज़ देखने को मिलती है वो वन ऑफ द बेस्ट होती है हाँ उसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर रहे हैं आप लोगों ने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा आज किस वीडियो में भी हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ टी का एक शो आया था एक सीज़न आया था पंचायत नेम से जिसके तीन सीजन अभी तक आ चुके हैं अगर मैं बात करूँ फ़र्स्ट सीज़न की तो 2020 में ये रिलीज़ किया गया थर्ड ऑफ़ अप्रैल को और उसके बाद सेकेंड सीज़न आया वो आया जी एटीनथ ऑफ मई को एंड उसके बाद सेकेंड सीज़न के बाद जब थर्ड सीज़न रिलीज़ किया गया वो किया गया इसी साल में ट्वेंटी एट्थ ऑफ़ मई को 2024 में इसे रिलीज़ कर दिया गया था तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं जी हाँ पंचायत सीजन का नेम है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड आप लोग उसके बारे में जानते ही होंगे आप लोग उस मूवी के बारे में भी जानते हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को पता है इस मूवी के बारे में भी इस सीरीज़ के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना चाहिए इस मूवी को इस सीरीज़ को क्योंकि काफ़ी अच्छी ये सीरीज़ बनाई गई Yeah. और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी सीरीज के बारे में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि यह सीरीज बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लगे लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शिगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आ, आप लोगों के सामने फ़र्स्ट सीज़न सेकेंड सीजन एंड थर्ड सीज़न की कम्प्लीट डिटेल्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कास्टिंग पर कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी तो तो की कास्टिंग में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे जितेंद्र कुमार देखने को मिलेंगे रघुबीर यादव देखने को मिलेंगे नीना गुप्ता देखने को मिल जाएंगी चंदन रॉय देखने को मिलेंगे फैसल मलिक देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर इस ड्रामा के अंदर इस सीज़न के अंदर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा तो ये एक ड्रामेटिकल सीरीज़ बनाई गई है जिसके अंदर आप लोगों को ड्रामा भरपूर अंदाज में देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी ड्रामा लवर हैं आप लोगों को ड्रामा देखना पसंद है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी सीरीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस सीरीज़ की आई रेटिंग क्या है और इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज़ की आई रेटिंग जो है काफी अच्छी रखी गई है यहां पर नाइन आउट ऑफ इस सीरीज़ की रेटिंग है जो कि कि काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है एंड उसी के के साथ हम बात करें कि इस सीरीज़ को गूगल यूज़र्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की नाइनटी से परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस सीरीज को एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से यह सीरीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें गूगल के यूज़र्स की परसेंटेज पर तो 94 परसेंट तक इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी सीरीज़ है तो आप लोगों को डेफिनेटली इसे एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें कि इस सीरीज़ की जो है वो आप लोगों को डायरेक्शन को हैंडल करते हुए कौन नज़र आने वाले हैं तो दीपक कुमार मिश्रा इस सीरीज़ की डायरेक्शन को हैंडल करते हुए नज़र आते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने और भी बहुत सारी मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह प्रेजेंट की है जिनमें पंचायत के अलावा हॉस्टल डेज गुल्लक कोटा फैक्ट्री इमेचर परमानेंट रोमेट्स और भी ऐसी बहुत सारी जो है वो आप लोगों के सामने सीरीज़ प्रजेंट की है अभी हम आते हैं सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब के ये सीरीज़ किस लैंग्वेज में है और अभी फाइनली ये आप लोगों को कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिल रही है देखने को मिल भी रही है या नहीं इस चीज़ पर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सीरीज जो है वो प्योर हिंदी जुबान की सीरीज बनाई गई है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रही है इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई वेल तो जी अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं चाहे वो बॉलीवुड की हो हॉलीवुड की हो या फिर आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से कोई सीरीज़ देखने को मिल रही हो तो अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों ने ऑब्वियसली टी का नेम तो सुन रखा होगा जिनके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो द वायरल फीवर जो है वो इनका फुल फॉर्म है फीवर आई थिंक बोला जाता है उसे तो द वायरल फीवर जो है वो उनका कम्प्लीट नेम है जो कि एक प्रोडक्शन हाउस है एंड यहाँ पर उसी प्रोडक्शन हाउस की जानब से हमें जो भी सीरीज़ देखने को मिलती है वो वन ऑफ द बेस्ट होती है हाँ उसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर रहे हैं आप लोगों ने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा आज किस वीडियो में भी हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ टी का एक शो आया था एक सीज़न आया था पंचायत नेम से जिसके तीन सीजन अभी तक आ चुके हैं अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सीज़न की तो दो हज़ार बीस में उसे रिलीज़ किया गया थर्ड ऑफ़ अप्रैल को और उसके बाद सेकेंड सीज़न आया वो आया जी एटीनथ ऑफ मई को एंड उसके बाद सेकेंड सीज़न के बाद जब थर्ड सीज़न रिलीज़ किया गया वो किया गया इसी साल में ट्वेंटी ऑफ़ मई को 2024 में इसे रिलीज़ कर दिया गया था तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं जी हाँ पंचायत सीजन का नेम है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड आप लोग उसके बारे में जानते ही होंगे आप लोग उस मूवी के बारे में भी जानते हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को पता है इस मूवी के बारे में भी इस सीरीज़ के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना चाहिए इस मूवी को इस सीरीज़ को क्योंकि काफ़ी अच्छी ये सीरीज़ बनाई गई है Yeah. और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी सीरीज के बारे में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये सीरीज बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइन लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शिगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आ, आप लोगों के सामने फ़र्स्ट सीजन सेकंड सीजन एंड थर्ड सीजन की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कास्टिंग पर कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे जितेंद्र कुमार देखने को मिलेंगे रघुबीर यादव देखने को मिलेंगे नीना गुप्ता देखने को मिल जाएंगी चंदन रॉय देखने को मिलेंगे फैसल मलिक देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी फ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर इस ड्रामा के अंदर इस सीज़न के अंदर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा तो ये एक ड्रामेटिकल सीरीज़ बनाई गई है जिसके अंदर आप लोगों को ड्रामा भरपूर अंदाज में देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी ड्रामा लवर हैं आप लोगों को ड्रामा देखना पसंद है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी सीरीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस सीरीज़ की आई रेटिंग क्या है और इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज़ की आई रेटिंग जो है वो काफी अच्छी रखी गई है यहां पर नाइन आउट ऑफ इस सीरीज़ की आई अच्छी खासी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस सीरीज को गूगल के यूज़र्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइनटी फोर परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस सीरीज को एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से यह सीरीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें गूगल के यूज़र्स की परसेंटेज पर तो 94 परसेंट तक इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी सीरीज़ है तो आप लोगों को डेफिनेटली इसे एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें कि इस सीरीज़ की जो है वो आप लोगों को डायरेक्शन को हैंडल करते हुए कौन नज़र आने वाले हैं तो दीपक कुमार मिश्रा इस सीरीज़ की डायरेक्शन को हैंडल करते हुए नज़र आते हैं जिन्होंने अपना किरदार और बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने और भी बहुत सारी मूवीज और सीरीज वगैरह प्रजेंट की है जिनमें पंचायत के अलावा हॉस्टल डेज गुल्लक कोटा फैक्ट्री इमेच्योर परमानेंट रोमेट्स और भी ऐसी बहुत सारी जो है वो आप लोगों के सामने सीरीज प्रेजेंट की है अभी हम आते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब के ये सीरीज किस लैंग्वेज में है और अभी फाइनली ये आप लोगों को कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिल रही है देखने को मिल भी रही है या नहीं इस चीज पर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सीरीज जो है वो प्योर हिंदी जुबान की सीरीज बनाई गई है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रही है इजिली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को इस सीरीज को इन्जॉय कर सकते हैं एमेजोन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई वेल तो जी अगर आप लोग सीरीज वगैरह देखना पसंद करते हैं चाहे वो बॉलीवुड की हो हॉलीवुड की हो या फिर आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज की तरफ से कोई सीरीज देखने को मिल रही हो तो अगर आप लोग सीरीज वगैरह देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों ने ऑब्वियसली टीवीएफ का नेम तो सुन रखा होगा जिनके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो द वायरल फ़ेवर जो है वो इनका फुल फॉर्म है फ़ीवर आई थिंक बोला जाता है उसे तो द वायरल फ़ीवर जो है वो उनका कंप्लीट नेम है जो कि एक प्रोडक्शन हाउस है एंड यहाँ पर उसी प्रोडक्शन हाउस की जानब से हमें जो भी सीरीज़ देखने को मिलती है वो वन ऑफ़ द बेस्ट होती है हाँ उसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर रहे हैं आप लोगों ने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा आज की इस वीडियो में भी हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ टी का एक शो आया था एक सीज़न आया था पंचायत नेम से जिसके तीन सीजन अभी तक आ चुके हैं अगर मैं बात करूँ फ़र्स्ट सीज़न की तो दो हज़ार बीस में से रिलीज़ किया गया थर्ड ऑफ़ अप्रैल को और उसके बाद सेकेंड सीज़न आया वो आया जी एटीनथ ऑफ मई को एंड उसके बाद सेकेंड सीज़न के बाद जब थर्ड सीज़न रिलीज़ किया गया वो किया गया इसी साल में तो, ट्वेंटी एट्थ ऑफ़ मई को 2024 में इसे रिलीज़ कर दिया गया था तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं जी हाँ पंचायत सीजन का नेम है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड आप लोग उसके बारे में जानते ही होंगे आप लोग उस मूवी के बारे में भी जानते हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को पता है इस मूवी के बारे में भी इस सीरीज़ के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना चाहिए इस मूवी को इस सीरीज़ को क्योंकि काफ़ी अच्छी ये सीरीज़ बनाई गई है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी सीरीज के बारे में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि यह सीरीज बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली यह यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शिगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने फ़र्स्ट सीजन सेकेंड सीज़न एंड थर्ड सीज़न की कम्प्लीट डिटेल्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कास्टिंग पर कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे जितेंद्र कुमार देखने को मिलेंगे रघुबीर यादव देखने को मिलेंगे नीना गुप्ता देखने को मिल जाएंगे चंदन रॉय देखने को मिलेंगे फैसल मलिक देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर इस ड्रामा के अंदर इस सीजन के अंदर हमें यहां पर क्या देखने को मिलेगा तो ये एक ड्रामेटिकल सीरीज बनाई गई है जिसके अंदर आप लोगों को ड्रामा भरपूर अंदाज में देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी ड्रामा लवर हैं आप लोगों को ड्रामा देखना पसंद है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी सीरीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस सीरीज़ की आई रेटिंग क्या है और इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज़ की आई रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है यहाँ पर नाइन आउट ऑफ टेन इस सीरीज़ की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस सीरीज़ को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइन्टी फोर परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस सीरीज को एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सीरीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें गूगल के यूज़र्स की परसेंटेज पर तो 94 परसेंट तक इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी सीरीज़ है तो आप लोगों को डेफिनेटली इसे एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें कि इस सीरीज़ की जो है वो आप लोगों को डायरेक्शन को हैंडल करते हुए कौन नज़र आने वाले हैं तो दीपक कुमार मिश्रा इस सीरीज़ की डायरेक्शन को हैंडल करते हुए नज़र आते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने और भी बहुत सारी मूवीज और सीरीज वगैरह प्रेजेंट की हैं जिनमें पंचायत के अलावा हॉस्टल डेज गुल्लक कोटा फैक्ट्री इमेच्योर परमानेंट रोमेट्स और भी ऐसी बहुत सारी जो है वो आप लोगों के सामने सीरीज प्रेजेंट की है अभी हम आते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब के ये सीरीज किस लैंग्वेज में है और अभी फाइनली ये आप लोगों को कहां पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिल रही है देखने को मिल भी रही है या नहीं इस चीज पर हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सीरीज जो है वो प्योर हिंदी जुबान की सीरीज बनाई गई है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रही है इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं एमेजॉन प्राइम वीडियो पर यह वहां पर अवेलेबल कर दी गई वेल well, तो जी अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं चाहे वो बॉलीवुड की हो हॉलीवुड की हो या फिर आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से कोई सीरीज़ देखने को मिल रही हो तो अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों ने ऑब्वियसली टी का नेम तो सुन रखा होगा जिनके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो द वायरल फीवर जो है वो इनका फुल फॉर्म है फीवर आई थिंक बोला जाता है उसे तो द वायरल फ़ीवर जो है वो उनका कम्प्लीट नेम है जो कि एक प्रोडक्शन हाउस है एंड यहाँ पर उसी प्रोडक्शन हाउस की जानब से हमें जो भी सीरीज़ देखने को मिलती है वो वन ऑफ द बेस्ट होती है हाँ उसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर रहे हैं आप लोगों ने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा आज किस वीडियो में भी हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ टी का एक शो आया था एक सीज़न आया था पंचायत नेम से जिसके तीन सीजन अभी तक आ चुके हैं अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सीज़न की तो 2020 में ये रिलीज़ किया गया थर्ड ऑफ़ अप्रैल को और उसके बाद सेकेंड सीज़न आया वो आया जी एटीनथ ऑफ मई को एंड उसके बाद सेकेंड सीज़न के बाद जब थर्ड सीज़न रिलीज़ किया गया वो किया गया इसी साल में ट्वेंटी एट्थ ऑफ़ मई को 2024 में इसे रिलीज़ कर दिया गया था तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं जी हाँ पंचायत सीजन का नेम है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड आप लोग उसके बारे में जानते ही होंगे आप लोग उस मूवी के बारे में भी जानते हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को पता है इस मूवी के बारे में भी इस सीरीज़ के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना चाहिए इस मूवी को इस सीरीज़ को क्योंकि काफ़ी अच्छी ये सीरीज़ बनाई गई Yeah, और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी सीरीज के बारे में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि यह सीरीज बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइन लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शिगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने फ़र्स्ट सीज़न सेकेंड सीजन एंड थर्ड सीज़न की कम्प्लीट डिटेल्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कास्टिंग पर कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे जितेंद्र कुमार देखने को मिलेंगे रघुबीर यादव देखने को मिलेंगे नीना गुप्ता देखने को मिल जाएंगे चंदन रॉय देखने को मिलेंगे फैसल मलिक देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर इस ड्रामा के अंदर इस सीज़न के अंदर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा तो ये एक ड्रामेटिकल सीरीज़ बनाई गई है जिसके अंदर आप लोगों को ड्रामा भरपूर अंदाज में देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी ड्रामा लवर हैं आप लोगों को ड्रामा देखना पसंद है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी सीरीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस सीरीज़ की आई रेटिंग क्या है और इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज़ की आई रेटिंग जो है वो काफी अच्छी रखी गई है यहां पर नाइन आउट ऑफ टेन इस सीरीज की आईएमडी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइनटी तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस सीरीज को एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से यह सीरीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें गूगल के यूज़र्स की परसेंटेज पर तो 94 परसेंट तक इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी सीरीज़ है तो आप लोगों को डेफिनेटली इसे एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें कि इस सीरीज़ की जो है वो आप लोगों को डायरेक्शन को हैंडल करते हुए कौन नज़र आने वाले हैं तो दीपक कुमार मिश्रा इस सीरीज़ की डायरेक्शन को हैंडल करते हुए नज़र आते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने और भी बहुत सारी मूवीज और सीरीज वगैरह प्रेजेंट की है जिनमें पंचायत के अलावा हॉस्टल डेज गुल्लक कोटा फैक्ट्री इमेच्योर परमानेंट रोमेट्स और भी ऐसी बहुत सारी जो है वो आप लोगों के सामने सीरीज प्रेजेंट की है अभी हम आते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब की ये सीरीज किस लैंग्वेज में है और अभी फाइनली ये आप लोगों को कहां पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिल रही है देखने को मिल भी रही है या नहीं इस चीज पर हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सीरीज जो है वो प्योर हिंदी जुबान की सीरीज बनाई गई है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रही है इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को इस सीरीज को इंजॉय कर सकते हैं एमेजॉन प्राइम वीडियो पर यह वहां पर अवेलेबल कर दी गई वेल तो जी अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं चाहे वो बॉलीवुड की हो हॉलीवुड की हो या फिर आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से कोई सीरीज़ देखने को मिल रही हो तो अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों ने ऑब्वियसली टी का नेम तो सुन रखा होगा जिनके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो द वायरल फीवर जो है वो इनका फुल फॉर्म है फीवर आई थिंक बोला जाता है उसे तो द वायरल फीवर जो है वो उनका कम्प्लीट नेम है जो कि एक प्रोडक्शन हाउस है एंड यहाँ पर उसी प्रोडक्शन हाउस की जानब से हमें जो भी सीरीज़ देखने को मिलती है वो वन ऑफ द बेस्ट होती है हाँ उसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर रहे हैं आप लोगों ने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा आज किस वीडियो में भी हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ टी का एक शो आया था एक सीज़न आया था पंचायत नेम से जिसके तीन सीजन अभी तक आ चुके हैं अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सीज़न की तो दो हज़ार बीस में उसे रिलीज़ किया गया थर्ड ऑफ़ अप्रैल को और उसके बाद सेकेंड सीज़न आया वो आया जी एटीनथ ऑफ मई को एंड उसके बाद सेकेंड सीज़न के बाद जब थर्ड सीज़न रिलीज़ किया गया वो किया गया इसी साल में तो, ट्वेंटी एट्थ ऑफ़ मई को 2024 में इसे रिलीज़ कर दिया गया था तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं जी हाँ पंचायत सीजन का नेम है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड आप लोग उसके बारे में जानते ही होंगे आप लोग उस मूवी के बारे में भी जानते हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को पता है इस मूवी के बारे में भी इस सीरीज़ के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना चाहिए इस मूवी को इस सीरीज़ को क्योंकि काफ़ी अच्छी ये सीरीज़ बनाई गई है Yeah. और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी सीरीज के बारे में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये सीरीज बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइन लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आ, आप लोगों के सामने फर्स्ट सीजन सेकंड सीजन एंड थर्ड सीजन की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कास्टिंग पर कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे जितेंद्र कुमार देखने को मिलेंगे रघुबीर यादव देखने को मिलेंगे नीना गुप्ता देखने को मिल जाएंगे चंदन रॉय देखने को मिलेंगे फैसल मलिक देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी फी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर इस ड्रामा के अंदर इस सीज़न के अंदर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा तो ये एक ड्रामेटिकल सीरीज़ बनाई गई है जिसके अंदर आप लोगों को ड्रामा भरपूर अंदाज में देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी ड्रामा लवर हैं आप लोगों को ड्रामा देखना पसंद है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी सीरीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस सीरीज़ की आई रेटिंग क्या है और इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज़ की आई रेटिंग जो है वो काफी अच्छी रखी गई है यहाँ पर नाइन आउट ऑफ इस सीरीज़ की आई अच्छी खासी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस सीरीज को गूगल के यूज़र्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइनटी फोर परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस सीरीज को एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये सीरीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें गूगल के यूजर्स की परसेंटेज पर तो 94 परसेंट तक इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी सीरीज है तो आप लोगों को डेफिनेटली इसे एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें कि इस सीरीज की जो है वो आप लोगों को डायरेक्शन को हैंडल करते हुए कौन नजर आने वाले हैं तो दीपक कुमार मिश्रा इस सीरीज की डायरेक्शन को हैंडल करते हुए नजर आते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने और भी बहुत सारी मूवीज़ और सीरीज वगैरह प्रेजेंट की है जिनमें पंचायत के अलावा हॉस्टल डेज गुल्लक कोटा फैक्ट्री इमेच्योर परमानेंट रोमेट्स और भी ऐसी बहुत सारी जो है वो आप लोगों के सामने सीरीज प्रेजेंट की है अभी हम आते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब के ये सीरीज किस लैंग्वेज में है और अभी फाइनली ये आप लोगों को कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिल रही है देखने को मिल भी रही है या नहीं इस चीज पर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये सीरीज जो है वो प्योर हिंदी जुबान की सीरीज बनाई गई है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रही है अवेलेबल है आप लोग जाकर इस इस मूवी को को सीरीज कर सकते हैं प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई वेल तो जी अगर आप लोग सीरीज वगैरह देखना पसंद करते हैं चाहे वो बॉलीवुड की हो हॉलीवुड की हो या फिर आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज की तरफ से कोई सीरीज देखने को मिल रही हो तो अगर आप लोग सीरीज वगैरह देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों ने ऑब्वियसली टी का नेम तो सुन रखा होगा जिनके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो द वायरल फीवर जो है वो इनका फुल फॉर्म है फीवर आई थिंक बोला जाता है उसे तो द वायरल फीवर जो है वो उनका कंप्लीट नेम है जो कि एक प्रोडक्शन हाउस है एंड यहाँ पर उसी प्रोडक्शन हाउस की जानिब से हमें जो भी सीरीज देखने को मिलती है वो वन ऑफ द बेस्ट होती है हाँ उसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर रहे हैं आप लोगों ने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा आज की इस वीडियो में भी हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ टी का एक शो आया था एक सीज़न आया था पंचायत नेम से जिसके तीन सीजन्स अभी तक आ चुके हैं अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सीज़न की तो 2020 में से रिलीज़ किया गया थर्ड ऑफ़ अप्रैल को और उसके बाद सेकेंड सीज़न आया वो आया जी एटीन ऑफ मई को एंड उसके बाद सेकेंड सीज़न के बाद जब थर्ड सीज़न रिलीज़ किया गया वो किया गया इसी साल में ट्वेंटी एथ ऑफ़ मई को 2024 में इसे रिलीज़ कर दिया गया था तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं जी हाँ पंचायत सीजन का नेम है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड आप लोग उसके बारे में जानते ही होंगे आप लोग उस मूवी के बारे में भी जानते हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को पता है इस मूवी के बारे में भी इस सीरीज़ के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना चाहिए इस मूवी को इस सीरीज़ को क्योंकि काफ़ी अच्छी ये सीरीज़ बनाई गई है और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी सीरीज के बारे में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि सीरीज़ बेसिकली किस 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 तरह की 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 बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस रिलीज की गई पर पर रिलीज़ रिलीज़ लैंग्वेज लैंग्वेज में में एंड एंड अभी फाइनली ये कहां पर किस में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शिगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने फर्स्ट सीजन सेकंड सीजन एंड थर्ड सीजन की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कास्टिंग पर कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे जितेंद्र कुमार देखने को मिलेंगे रघुबीर यादव देखने को मिलेंगे नीना गुप्ता देखने को मिल जाएंगे चंदन रॉय देखने को मिलेंगे फैसल मलिक देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर इस ड्रामा के अंदर इस सीज़न के अंदर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा तो ये एक ड्रामेटिकल सीरीज़ बनाई गई है जिसके अंदर आप लोगों को ड्रामा भरपूर अंदाज़ में देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी ड्रामा लवर हैं आप लोगों को ड्रामा देखना पसंद है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी सीरीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस सीरीज़ की आई रेटिंग क्या है और इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज़ की आई रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है यहाँ पर नाइन आउट ऑफ टेन इस सीरीज़ की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस सीरीज़ को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइन्टी फोर परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस सीरीज को एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सीरीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें गूगल के यूज़र्स की परसेंटेज पर तो 94 परसेंट तक इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी सीरीज़ है तो आप लोगों को डेफ़िनेटली इसे एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें कि इस सीरीज़ की जो है वो आप लोगों को डायरेक्शन को हैंडल करते हुए कौन नज़र आने वाले हैं तो दीपक कुमार मिश्रा इस सीरीज़ की डायरेक्शन को हैंडल करते हुए नज़र आते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने और भी बहुत सारी मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह प्रेजेंट की है जिनमें पंचायत के अलावा हॉस्टल डेज गुल्लक कोटा फैक्ट्री इमेच्योर परमानेंट रोमेट्स और भी ऐसी बहुत सारी जो है वो आप लोगों के सामने सीरीज़ प्रजेंट की है अभी हम आते हैं सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब के ये सीरीज़ किस लैंग्वेज में है और अभी फाइनली ये आप लोगों को कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिल रही है देखने को मिल भी रही है या नहीं इस चीज़ पर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सीरीज जो है वो प्योर हिंदी जुबान की सीरीज बनाई गई है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रही है इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई वेल well, तो जी अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं चाहे वो बॉलीवुड की हो हॉलीवुड की हो या फिर आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से कोई सीरीज़ देखने को मिल रही हो तो अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों ने ऑब्वियसली टी का नेम तो सुन रखा होगा जिनके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो द वायरल फीवर जो है वो इनका फुल फॉर्म है फीवर आई थिंक बोला जाता है उसे तो द वायरल फ़ीवर जो है वो उनका कम्प्लीट नेम है जो कि एक प्रोडक्शन हाउस है एंड यहाँ पर उसी प्रोडक्शन हाउस की जानब से हमें जो भी सीरीज़ देखने को मिलती है वो वन ऑफ द बेस्ट होती है हाँ उसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर रहे हैं आप लोगों ने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा आज किस वीडियो में भी हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ टी का एक शो आया था एक सीज़न आया था पंचायत नेम से जिसके तीन सीजन अभी तक आ चुके हैं अगर मैं बात करूँ फ़र्स्ट सीज़न की तो 2020 में से रिलीज़ किया गया थर्ड ऑफ़ अप्रैल को और उसके बाद सेकेंड सीज़न आया वो आया जी एटीनथ ऑफ मई को एंड उसके बाद सेकेंड सीज़न के बाद जब थर्ड सीज़न रिलीज़ किया गया वो किया गया इसी साल में ट्वेंटी एट्थ ऑफ़ मई को 2024 में इसे रिलीज़ कर दिया गया था तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं जी हाँ पंचायत सीजन का नेम है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड आप लोग उसके बारे में जानते ही होंगे आप लोग उस मूवी के बारे में भी जानते हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को पता है इस मूवी के बारे में भी इस सीरीज़ के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना चाहिए इस मूवी को इस सीरीज़ को क्योंकि काफ़ी अच्छी ये सीरीज़ बनाई गई Yeah, और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी सीरीज के बारे में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि यह सीरीज बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइन लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शिगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने फ़र्स्ट सीज़न सेकेंड सीजन एंड थर्ड सीज़न की कम्प्लीट डिटेल्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कास्टिंग पर कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे जितेंद्र कुमार देखने को मिलेंगे रघुबीर यादव देखने को मिलेंगे नीना गुप्ता देखने को मिल जाएंगे चंदन रॉय देखने को मिलेंगे फैसल मलिक देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर इस ड्रामा के अंदर इस सीज़न के अंदर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा तो ये एक ड्रामेटिकल सीरीज़ बनाई गई है जिसके अंदर आप लोगों को ड्रामा भरपूर अंदाज में देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी ड्रामा लवर हैं आप लोगों को ड्रामा देखना पसंद है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी सीरीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस सीरीज़ की आई रेटिंग क्या है और इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज़ की आई रेटिंग जो है वो काफी अच्छी रखी गई है यहाँ पर नाइन आउट ऑफ टेन बात परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज को गूगल के यूजर्स परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस सीरीज को एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से यह सीरीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें गूगल के यूज़र्स की परसेंटेज पर तो 94 परसेंट तक इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी सीरीज़ है तो आप लोगों को डेफिनेटली इसे एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें कि इस सीरीज़ की जो है वो आप लोगों को डायरेक्शन को हैंडल करते हुए कौन नज़र आने वाले हैं तो दीपक कुमार मिश्रा इस सीरीज़ की डायरेक्शन को हैंडल करते हुए नज़र आते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने और भी बहुत सारी मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह प्रेजेंट की है जिनमें पंचायत के अलावा हॉस्टल डेज गुल्लक कोटा फैक्ट्री इमेचर परमानेंट रोमेट्स और भी ऐसी बहुत सारी जो है वो आप लोगों के सामने सीरीज़ प्रजेंट की है अभी हम आते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब के ये सीरीज़ किस लैंग्वेज में है और अभी फाइनली ये आप लोगों को कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिल रही है देखने को मिल भी रही है या नहीं इस चीज़ पर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सीरीज जो है वो प्योर हिंदी जुबान की सीरीज बनाई गई है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रही है इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को इस सीरीज को इंजॉय कर सकते हैं अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर यह वहां पर अवेलेबल कर दी गई वेल well, तो जी अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं चाहे वो बॉलीवुड की हो हॉलीवुड की हो या फिर आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से कोई सीरीज़ देखने को मिल रही हो तो अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों ने ऑब्वियसली टी का नेम तो सुन रखा होगा जिनके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो द वायरल फीवर जो है वो इनका फुल फॉर्म है फीवर आई थिंक बोला जाता है उसे तो द वायरल फ़ीवर जो है वो उनका कम्प्लीट नेम है जो कि एक प्रोडक्शन हाउस है एंड यहाँ पर उसी प्रोडक्शन हाउस की जानब से हमें जो भी सीरीज़ देखने को मिलती है वो वन ऑफ द बेस्ट होती है हाँ उसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर रहे हैं आप लोगों ने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा आज किस वीडियो में भी हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ टी का एक शो आया था एक सीज़न आया था पंचायत नेम से जिसके तीन सीजन अभी तक आ चुके हैं अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सीज़न की तो दो हज़ार बीस में उसे रिलीज़ किया गया थर्ड ऑफ़ अप्रैल को और उसके बाद सेकेंड सीज़न आया वो आया जी एटीनथ ऑफ मई को एंड उसके बाद सेकेंड सीज़न के बाद जब थर्ड सीज़न रिलीज़ किया गया वो किया गया इसी साल में ट्वेंटी ऑफ़ मई को 2024 में इसे रिलीज़ कर दिया गया था तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं जी हाँ पंचायत सीजन का नेम है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड आप लोग उसके बारे में जानते ही होंगे आप लोग उस मूवी के बारे में भी जानते हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को पता है इस मूवी के बारे में भी इस सीरीज़ के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना चाहिए इस मूवी को इस सीरीज़ को क्योंकि काफ़ी अच्छी ये सीरीज़ बनाई गई है और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी सीरीज के बारे में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये सीरीज बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइन लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने फ़र्स्ट सीजन सेकंड सीजन एंड थर्ड सीजन की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कास्टिंग पर कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे जितेंद्र कुमार देखने को मिलेंगे रघुबीर यादव देखने को मिलेंगे नीना गुप्ता देखने को मिल जाएंगे चंदन रॉय देखने को मिलेंगे फैसल मलिक देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर इस ड्रामा के अंदर इस सीज़न के अंदर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा तो ये एक ड्रामेटिकल सीरीज़ बनाई गई है जिसके अंदर आप लोगों को ड्रामा भरपूर अंदाज में देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी ड्रामा लवर हैं आप लोगों को ड्रामा देखना पसंद है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी सीरीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस सीरीज़ की आई रेटिंग क्या है और इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज़ की आई रेटिंग जो है वो काफी अच्छी रखी गई है यहां पर नाइन आउट ऑफ इस सीरीज़ की आई अच्छी खासी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस सीरीज को गूगल के यूज़र्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइनटी फोर परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस सीरीज को एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से यह सीरीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें गूगल के यूज़र्स की परसेंटेज पर तो 94 परसेंट तक इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी सीरीज़ है तो आप लोगों को डेफिनेटली इसे एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें कि इस सीरीज़ की जो है वो आप लोगों को डायरेक्शन को हैंडल करते हुए कौन नज़र आने वाले हैं तो दीपक कुमार मिश्रा इस सीरीज़ की डायरेक्शन को हैंडल करते हुए नज़र आते हैं जिन्होंने अपना किरदार और बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने और भी बहुत सारी मूवीज और सीरीज वगैरह प्रेजेंट की है जिनमें पंचायत के अलावा हॉस्टल डेज गुल्लक कोटा फैक्ट्री इमेच्योर परमानेंट रोमेट्स और भी ऐसी बहुत सारी जो है वो आप लोगों के सामने सीरीज प्रजेंट की है अभी हम आते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब के ये सीरीज किस लैंग्वेज में है और अभी फाइनली ये आप लोगों को कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिल रही है देखने को मिल भी रही है या नहीं इस चीज पर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सीरीज जो है वो प्योर हिंदी जुबान की सीरीज बनाई गई है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रही है ईजिली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को इस सीरीज को इन्जॉय कर सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर यह वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई वेल तो जी अगर आप लोग सीरीज वगैरह देखना पसंद करते हैं चाहे वो बॉलीवुड की हो हॉलीवुड की हो या फिर आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज की तरफ से कोई सीरीज देखने को मिल रही हो तो अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों ने ऑब्वियसली टी का नेम तो सुन रखा होगा जिनके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो द वायरल फीवर जो है वो इनका फुल फॉर्म है फ़ीवर आई थिंक बोला जाता है उसे तो द वायरल फ़ीवर जो है वो उनका कंप्लीट नेम है जो कि एक प्रोडक्शन हाउस है एंड यहाँ पर उसी प्रोडक्शन हाउस की जानब से हमें जो भी सीरीज़ देखने को मिलती है वो वन ऑफ़ द बेस्ट होती है हाँ उसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर रहे हैं आप लोगों ने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा आज की इस वीडियो में भी हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ टी का एक शो आया था एक सीज़न आया था पंचायत नेम से जिसके तीन सीजन अभी तक आ चुके हैं अगर मैं बात करूँ फ़र्स्ट सीज़न की तो दो हज़ार बीस में से रिलीज़ किया गया थर्ड ऑफ़ अप्रैल को और उसके बाद सेकेंड सीज़न आया वो आया जी एटीनथ ऑफ मई को एंड उसके बाद सेकेंड सीज़न के बाद जब थर्ड सीज़न रिलीज़ किया गया वो किया गया इसी साल में ट्वेंटी एट्थ ऑफ़ मई को 2024 में इसे रिलीज़ कर दिया गया था तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं जी हाँ पंचायत सीजन का नेम है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड आप लोग उसके बारे में जानते ही होंगे आप लोग उस मूवी के बारे में भी जानते हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को पता है इस मूवी के बारे में भी इस सीरीज़ के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना चाहिए इस मूवी को इस सीरीज़ को क्योंकि काफ़ी अच्छी ये सीरीज़ बनाई गई है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी सीरीज के बारे में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि यह सीरीज बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शिगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने फ़र्स्ट सीजन सेकेंड सीज़न एंड थर्ड सीज़न की कम्प्लीट डिटेल्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कास्टिंग पर कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे जितेंद्र कुमार देखने को मिलेंगे रघुबीर यादव देखने को मिलेंगे नीना गुप्ता देखने को मिल जाएंगे चंदन रॉय देखने को मिलेंगे फैसल मलिक देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर इस ड्रामा के अंदर इस सीज़न के अंदर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा तो ये एक ड्रामेटिकल सीरीज़ बनाई गई है जिसके अंदर आप लोगों को ड्रामा भरपूर अंदाज में देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी ड्रामा लवर हैं आप लोगों को ड्रामा देखना पसंद है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी सीरीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस सीरीज़ की आई रेटिंग क्या है और इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज़ की आई रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है यहाँ पर नाइन आउट ऑफ टेन इस सीरीज की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइनटी फोर परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस सीरीज को एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सीरीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें गूगल के यूज़र्स की परसेंटेज पर तो 94 परसेंट तक इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी सीरीज़ है तो आप लोगों को डेफ़िनेटली इसे एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें कि इस सीरीज़ की जो है वो आप लोगों को डायरेक्शन को हैंडल करते हुए कौन नज़र आने वाले हैं तो दीपक कुमार मिश्रा इस सीरीज़ की डायरेक्शन को हैंडल करते हुए नज़र आते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने और भी बहुत सारी मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह प्रेजेंट की है जिनमें पंचायत के अलावा हॉस्टल डेज गुल्लक कोटा फैक्ट्री इमेच्योर परमानेंट रोमेट्स और भी ऐसी बहुत सारी जो है वो आप लोगों के सामने सीरीज़ प्रजेंट की है अभी हम आते हैं सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब के ये सीरीज़ किस लैंग्वेज में है और अभी फाइनली ये आप लोगों को कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिल रही है देखने को मिल भी रही है या नहीं इस चीज़ पर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सीरीज जो है वो प्योर हिंदी जुबान की सीरीज बनाई गई है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रही है इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर यह वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई वेल तो जी अगर आप लोग सीरीज वगैरह देखना पसंद करते हैं चाहे वो बॉलीवुड की हो हॉलीवुड की हो या फिर आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज की तरफ से कोई सीरीज देखने को मिल रही हो तो अगर आप लोग सीरीज वगैरह देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों ने ऑब्वियसली टी का नेम तो सुन रखा होगा जिनके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो द वायरल फीवर जो है वो इनका फुल फॉर्म है फ़ीवर आई थिंक बोला जाता है उसे तो द वायरल फ़ीवर जो है वो उनका कंप्लीट नेम है जो कि एक प्रोडक्शन हाउस है एंड यहाँ पर उसी प्रोडक्शन हाउस की जानब से हमें जो भी सीरीज़ देखने को मिलती है वो वन ऑफ़ द बेस्ट होती है हाँ उसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर रहे हैं आप लोगों ने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा आज की इस वीडियो में भी हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ टी का एक शो आया था एक सीज़न आया था पंचायत नेम से जिसके तीन सीजन अभी तक आ चुके हैं अगर मैं बात करूँ फ़र्स्ट सीज़न की तो 2020 में से रिलीज़ किया गया थर्ड ऑफ़ अप्रैल को और उसके बाद सेकेंड सीज़न आया वो आया जी एटीनथ ऑफ मई को एंड उसके बाद सेकेंड सीज़न के बाद जब थर्ड सीज़न रिलीज़ किया गया वो किया गया इसी साल में ट्वेंटी एट्थ ऑफ़ मई को 2024 में इसे रिलीज़ कर दिया गया था तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं जी हाँ पंचायत सीजन का नेम है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड आप लोग उसके बारे में जानते ही होंगे आप लोग उस मूवी के बारे में भी जानते हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को पता है इस मूवी के बारे में भी इस सीरीज़ के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना चाहिए इस मूवी को इस सीरीज़ को क्योंकि काफ़ी अच्छी ये सीरीज़ बनाई गई Yeah, और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी सीरीज के बारे में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि यह सीरीज बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइन लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शिगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आ, आप लोगों के सामने फ़र्स्ट सीज़न सेकेंड सीजन एंड थर्ड सीज़न की कम्प्लीट डिटेल्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कास्टिंग पर कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे जितेंद्र कुमार देखने को मिलेंगे रघुबीर यादव देखने को मिलेंगे नीना गुप्ता देखने को मिल जाएंगे चंदन रॉय देखने को मिलेंगे फैसल मलिक देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर इस ड्रामा के अंदर इस सीज़न के अंदर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा तो ये एक ड्रामेटिकल सीरीज़ बनाई गई है जिसके अंदर आप लोगों को ड्रामा भरपूर अंदाज में देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी ड्रामा लवर हैं आप लोगों को ड्रामा देखना पसंद है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी सीरीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस सीरीज़ की आई रेटिंग क्या है और इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज़ की आई रेटिंग जो है वो काफी अच्छी रखी गई है यहाँ पर नाइन आउट ऑफ टेन बात करें कि इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानवर से नाइनटी फोर परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस सीरीज को एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से यह सीरीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें गूगल के यूज़र्स की परसेंटेज पर तो 94 परसेंट तक इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी सीरीज़ है तो आप लोगों को डेफिनेटली इसे एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें कि इस सीरीज़ की जो है वो आप लोगों को डायरेक्शन को हैंडल करते हुए कौन नज़र आने वाले हैं तो दीपक कुमार मिश्रा इस सीरीज़ की डायरेक्शन को हैंडल करते हुए नज़र आते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने और भी बहुत सारी मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह प्रेजेंट की है जिनमें पंचायत के अलावा हॉस्टल डेज गुल्लक कोटा फैक्ट्री इमेचर परमानेंट रोमेट्स और भी ऐसी बहुत सारी जो है वो आप लोगों के सामने सीरीज़ प्रेजेंट की हैं अभी हम आते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब के ये सीरीज़ किस लैंग्वेज में है और अभी फाइनली ये आप लोगों को कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिल रही है देखने को मिल भी रही है या नहीं इस चीज़ पर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सीरीज जो है वो प्योर हिंदी जुबान की सीरीज बनाई गई है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रही है इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को इस सीरीज को इंजॉय कर सकते हैं अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई वेल well, तो जी अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं चाहे वो बॉलीवुड की हो हॉलीवुड की हो या फिर आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से कोई सीरीज़ देखने को मिल रही हो तो अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों ने ऑब्वियसली टी का नेम तो सुन रखा होगा जिनके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो द वायरल फीवर जो है वो इनका फुल फॉर्म है फीवर आई थिंक बोला जाता है उसे तो द वायरल फ़ीवर जो है वो उनका कम्प्लीट नेम है जो कि एक प्रोडक्शन हाउस है एंड यहाँ पर उसी प्रोडक्शन हाउस की जानब से हमें जो भी सीरीज़ देखने को मिलती है वो वन ऑफ द बेस्ट होती है हाँ उसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर रहे हैं आप लोगों ने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा आज किस वीडियो में भी हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ टी का एक शो आया था एक सीज़न आया था पंचायत नेम से जिसके तीन सीजन अभी तक आ चुके हैं अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सीज़न की तो दो हज़ार बीस में उसे रिलीज़ किया गया थर्ड ऑफ़ अप्रैल को और उसके बाद सेकेंड सीज़न आया वो आया जी एटीनथ ऑफ मई को एंड उसके बाद सेकेंड सीज़न के बाद जब थर्ड सीज़न रिलीज़ किया गया वो किया गया इसी साल में ट्वेंटी ऑफ़ मई को 2024 में इसे रिलीज़ कर दिया गया था तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं जी हाँ पंचायत सीजन का नेम है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड आप लोग उसके बारे में जानते ही होंगे आप लोग उस मूवी के बारे में भी जानते हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को पता है इस मूवी के बारे में भी इस सीरीज़ के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना चाहिए इस मूवी को इस सीरीज़ को क्योंकि काफ़ी अच्छी ये सीरीज़ बनाई गई है और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी सीरीज के बारे में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये सीरीज बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर किस में अवेलेबल है। स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइन लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शिगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने फ़र्स्ट सीज़न सेकंड सीजन एंड थर्ड सीजन की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कास्टिंग पर कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे जितेंद्र कुमार देखने को मिलेंगे रघुबीर यादव देखने को मिलेंगे नीना गुप्ता देखने को मिल जाएंगे चंदन रॉय देखने को मिलेंगे फैसल मलिक देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर इस ड्रामा के अंदर इस सीज़न के अंदर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा तो ये एक ड्रामेटिकल सीरीज़ बनाई गई है जिसके अंदर आप लोगों को ड्रामा भरपूर अंदाज में देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी ड्रामा लवर हैं आप लोगों को ड्रामा देखना पसंद है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी सीरीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस सीरीज़ की आई रेटिंग क्या है और इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज़ की आई रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है यहाँ पर नाइन आउट ऑफ टेन सीरीज की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानवर से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइनटी फोर परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस सीरीज को एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से यह सीरीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें गूगल के यूज़र्स की परसेंटेज पर तो 94 परसेंट तक इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी सीरीज़ है तो आप लोगों को डेफिनेटली इसे एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें कि इस सीरीज़ की जो है वो आप लोगों को डायरेक्शन को हैंडल करते हुए कौन नज़र आने वाले हैं तो दीपक कुमार मिश्रा इस सीरीज़ की डायरेक्शन को हैंडल करते हुए नज़र आते हैं जिन्होंने अपना किरदार और बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने और भी बहुत सारी मूवीज और सीरीज वगैरह प्रेजेंट की है जिनमें पंचायत के अलावा हॉस्टल डेज गुल्लक कोटा फैक्ट्री इमेच्योर परमानेंट रोमेट्स और भी ऐसी बहुत सारी जो है वो आप लोगों के सामने सीरीज प्रजेंट की है अभी हम आते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब के ये सीरीज किस लैंग्वेज में है और अभी फाइनली ये आप लोगों को कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिल रही है देखने को मिल भी रही है या नहीं इस चीज पर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सीरीज जो है वो प्योर हिंदी जुबान की सीरीज बनाई गई है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रही है इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को इस सीरीज को इंजॉय कर सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई वेल तो जी अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं चाहे वो बॉलीवुड की हो हॉलीवुड की हो या फिर आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से कोई सीरीज़ देखने को मिल रही हो तो अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों ने ऑब्वियसली टी का नेम तो सुन रखा होगा जिनके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो द वायरल फीवर जो है वो इनका फुल फॉर्म है फीवर आई थिंक बोला जाता है उसे तो द वायरल फीवर जो है वो उनका कम्प्लीट नेम है जो कि एक प्रोडक्शन हाउस है एंड यहाँ पर उसी प्रोडक्शन हाउस की जानब से हमें जो भी सीरीज़ देखने को मिलती है वो वन ऑफ द बेस्ट होती है हाँ उसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर रहे हैं आप लोगों ने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा आज किस वीडियो में भी हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ टी का एक शो आया था एक सीज़न आया था पंचायत नेम से जिसके तीन सीजन अभी तक आ चुके हैं अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सीज़न की तो 2020 में उसे रिलीज़ किया गया थर्ड ऑफ़ अप्रैल को और उसके बाद सेकेंड सीज़न आया वो आया जी एटीनथ ऑफ मई को एंड उसके बाद सेकेंड सीज़न के बाद जब थर्ड सीज़न रिलीज़ किया गया वो किया गया इसी साल में तो, ट्वेंटी एथ ऑफ़ मई को 2024 में इसे रिलीज़ कर दिया गया था तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं जी हाँ पंचायत सीजन का नेम है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड आप लोग उसके बारे में जानते ही होंगे आप लोग उस मूवी के बारे में भी जानते हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को पता है इस मूवी के बारे में भी इस सीरीज़ के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना चाहिए इस मूवी को इस सीरीज़ को क्योंकि काफ़ी अच्छी ये सीरीज़ बनाई गई है और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी सीरीज के बारे में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि सीरीज़ बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली यह यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शिगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने फर्स्ट सीजन सेकेंड सीजन एंड थर्ड सीजन की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कास्टिंग पर कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे जितेंद्र कुमार देखने को मिलेंगे रघुबीर यादव देखने को मिलेंगे नीना गुप्ता देखने को मिल जाएंगी चंदन रॉय देखने को मिलेंगे फैसल मलिक देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर इस ड्रामा के अंदर इस सीज़न के अंदर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा तो ये एक ड्रामेटिकल सीरीज़ बनाई गई है जिसके अंदर आप लोगों को ड्रामा भरपूर अंदाज में देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी ड्रामा लवर हैं आप लोगों को ड्रामा देखना पसंद है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी सीरीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस सीरीज़ की आई रेटिंग क्या है और इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज़ की आई रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है यहाँ पर नाइन आउट ऑफ टेन इस सीरीज़ की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस सीरीज़ को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज़ को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइन्टी फोर परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस सीरीज को एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सीरीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें गूगल के यूज़र्स की परसेंटेज पर तो 94 परसेंट तक इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी सीरीज़ है तो आप लोगों को डेफिनेटली इसे एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें कि इस सीरीज़ की जो है वो आप लोगों को डायरेक्शन को हैंडल करते हुए कौन नज़र आने वाले हैं तो दीपक कुमार मिश्रा इस सीरीज़ की डायरेक्शन को हैंडल करते हुए नज़र आते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने और भी बहुत सारी मूवीज़ और सीरीज वगैरह प्रेजेंट की हैं जिनमें पंचायत के अलावा हॉस्टल डेज गुल्लक कोटा फैक्ट्री इमेच्योर परमानेंट रोमेट्स और भी ऐसी बहुत सारी जो है वो आप लोगों के सामने सीरीज़ प्रजेंट की है अभी हम आते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब के ये सीरीज किस लैंग्वेज में है और अभी फाइनली ये आप लोगों को कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिल रही है देखने को मिल भी रही है या नहीं इस चीज़ पर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सीरीज़ जो है प्योर हिंदी जुबान की सीरीज बनाई गई है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रही है इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई वेल well, तो जी अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं चाहे वो बॉलीवुड की हो हॉलीवुड की हो या फिर आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से कोई सीरीज़ देखने को मिल रही हो तो अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों ने ऑब्वियसली टी का नेम तो सुन रखा होगा जिनके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो द वायरल फीवर जो है वो इनका फुल फॉर्म है फीवर आई थिंक बोला जाता है उसे तो द वायरल फ़ीवर जो है वो उनका कम्प्लीट नेम है जो कि एक प्रोडक्शन हाउस है एंड यहाँ पर उसी प्रोडक्शन हाउस की जानब से हमें जो भी सीरीज़ देखने को मिलती है वो वन ऑफ द बेस्ट होती है हाँ उसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर रहे हैं आप लोगों ने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा आज किस वीडियो में भी हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ टी का एक शो आया था एक सीज़न आया था पंचायत नेम से जिसके तीन सीजन अभी तक आ चुके हैं अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सीज़न की तो 2020 में जो रिलीज़ किया गया थर्ड ऑफ़ अप्रैल को और उसके बाद सेकेंड सीज़न आया वो आया जी एटीनथ ऑफ मई को एंड उसके बाद सेकेंड सीज़न के बाद जब थर्ड सीज़न रिलीज़ किया गया वो किया गया इसी साल में ट्वेंटी एट्थ ऑफ़ मई को 2024 में इसे रिलीज़ कर दिया गया था तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं जी हाँ पंचायत सीजन का नेम है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड आप लोग उसके बारे में जानते ही होंगे आप लोग उस मूवी के बारे में भी जानते हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को पता है इस मूवी के बारे में भी इस सीरीज़ के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना चाहिए इस मूवी को इस सीरीज़ को क्योंकि काफ़ी अच्छी ये सीरीज़ बनाई गई Yeah, और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी सीरीज के बारे में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि यह सीरीज बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइन लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शिगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने फ़र्स्ट सीज़न सेकेंड सीजन एंड थर्ड सीजन की कम्प्लीट डिटेल्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कास्टिंग पर कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे जितेंद्र कुमार देखने को मिलेंगे रघुबीर यादव देखने को मिलेंगे नीना गुप्ता देखने को मिल जाएंगे चंदन रॉय देखने को मिलेंगे फैसल मलिक देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर इस ड्रामा के अंदर इस सीज़न के अंदर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा तो ये एक ड्रामेटिकल सीरीज़ बनाई गई है जिसके अंदर आप लोगों को ड्रामा भरपूर अंदाज में देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी ड्रामा लवर हैं आप लोगों को ड्रामा देखना पसंद है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी सीरीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस सीरीज़ की आई रेटिंग क्या है और इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज़ की आई रेटिंग जो है काफी अच्छी रखी गई है यहां पर नाइन आउट ऑफ टेन बात करें कि इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानवर से नाइनटी फोर परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस सीरीज को एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से यह सीरीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें गूगल के यूज़र्स की परसेंटेज पर तो 94 परसेंट तक इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी सीरीज़ है तो आप लोगों को डेफिनेटली इसे एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें कि इस सीरीज़ की जो है वो आप लोगों को डायरेक्शन को हैंडल करते हुए कौन नज़र आने वाले हैं तो दीपक कुमार मिश्रा इस सीरीज़ की डायरेक्शन को हैंडल करते हुए नज़र आते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने और भी बहुत सारी मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह प्रेजेंट की हैं जिनमें पंचायत के अलावा हॉस्टल डेज गुल्लक कोटा फैक्ट्री इमेचर परमानेंट रोमेट्स और भी ऐसी बहुत सारी जो है वो आप लोगों के सामने सीरीज़ प्रेजेंट की हैं अभी हम आते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब के ये सीरीज किस लैंग्वेज में है और अभी फाइनली ये आप लोगों को कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिल रही है देखने को मिल भी रही है या नहीं इस चीज़ पर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सीरीज जो है वो प्योर हिंदी जुबान की सीरीज बनाई गई है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रही है इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को इस सीरीज को इंजॉय कर सकते हैं अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई वेल well, तो जी अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं चाहे वो बॉलीवुड की हो हॉलीवुड की हो या फिर आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से कोई सीरीज़ देखने को मिल रही हो तो अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों ने ऑब्वियसली टी का नेम तो सुन रखा होगा जिनके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो द वायरल फीवर जो है वो इनका फुल फॉर्म है फीवर आई थिंक बोला जाता है उसे तो द वायरल फ़ीवर जो है वो उनका कम्प्लीट नेम है जो कि एक प्रोडक्शन हाउस है एंड यहाँ पर उसी प्रोडक्शन हाउस की जानब से हमें जो भी सीरीज़ देखने को मिलती है वो वन ऑफ द बेस्ट होती है हाँ उसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर रहे हैं आप लोगों ने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा आज किस वीडियो में भी हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ टी का एक शो आया था एक सीज़न आया था पंचायत नेम से जिसके तीन सीजन अभी तक आ चुके हैं अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सीज़न की तो दो हज़ार बीस में उसे रिलीज़ किया गया थर्ड ऑफ़ अप्रैल को और उसके बाद सेकेंड सीज़न आया वो आया जी एटीनथ ऑफ मई को एंड उसके बाद सेकेंड सीज़न के बाद जब थर्ड सीज़न रिलीज़ किया गया वो किया गया इसी साल में ट्वेंटी ऑफ़ मई को 2024 में इसे रिलीज़ कर दिया गया था तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं जी हाँ पंचायत सीजन का नेम है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड आप लोग उसके बारे में जानते ही होंगे आप लोग उस मूवी के बारे में भी जानते हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को पता है इस मूवी के बारे में भी इस सीरीज़ के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना चाहिए इस मूवी को इस सीरीज़ को क्योंकि काफ़ी अच्छी ये सीरीज़ बनाई गई है और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी सीरीज के बारे में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये सीरीज बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइन लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शिगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने फ़र्स्ट सीज़न सेकंड सीजन एंड थर्ड सीजन की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कास्टिंग पर कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे जितेंद्र कुमार देखने को मिलेंगे रघुबीर यादव देखने को मिलेंगे नीना गुप्ता देखने को मिल जाएंगे चंदन रॉय देखने को मिलेंगे फैसल मलिक देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर इस ड्रामा के अंदर इस सीज़न के अंदर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा तो ये एक ड्रामेटिकल सीरीज़ बनाई गई है जिसके अंदर आप लोगों को ड्रामा भरपूर अंदाज में देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी ड्रामा लवर हैं आप लोगों को ड्रामा देखना पसंद है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी सीरीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस सीरीज़ की आई रेटिंग क्या है और इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज़ की आई रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है यहाँ पर नाइन आउट ऑफ इस सीरीज़ की आई अच्छी खासी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस सीरीज को गूगल के यूज़र्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइन्टी फोर परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस सीरीज को एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये सीरीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें गूगल के यूज़र्स की परसेंटेज पर तो 94 परसेंट तक इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी सीरीज़ है तो आप लोगों को डेफिनेटली इसे एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें कि इस सीरीज़ की जो है वो आप लोगों को डायरेक्शन को हैंडल करते हुए कौन नज़र आने वाले हैं तो दीपक कुमार मिश्रा इस सीरीज़ की डायरेक्शन को हैंडल करते हुए नज़र आते हैं जिन्होंने अपना किरदार और बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने और भी बहुत सारी मूवीज और सीरीज वगैरह प्रेजेंट की है जिनमें पंचायत के अलावा हॉस्टल डेज गुल्लक कोटा फैक्ट्री इमेच्योर परमानेंट रोमेट्स और भी ऐसी बहुत सारी जो है वो आप लोगों के सामने सीरीज प्रजेंट की है अभी हम आते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब के ये सीरीज किस लैंग्वेज में है और अभी फाइनली ये आप लोगों को कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिल रही है देखने को मिल भी रही है या नहीं इस चीज पर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सीरीज जो है वो प्योर हिंदी जुबान की सीरीज बनाई गई है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रही है इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को इस सीरीज को इंजॉय कर सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई वेल तो जी अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं चाहे वो बॉलीवुड की हो हॉलीवुड की हो या फिर आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से कोई सीरीज़ देखने को मिल रही हो तो अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों ने ऑब्वियसली टी का नेम तो सुन रखा होगा जिनके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो द वायरल फीवर जो है वो इनका फुल फॉर्म है फीवर आई थिंक बोला जाता है उसे तो द वायरल फीवर जो है वो उनका कम्प्लीट नेम है जो कि एक प्रोडक्शन हाउस है एंड यहाँ पर उसी प्रोडक्शन हाउस की जानब से हमें जो भी सीरीज़ देखने को मिलती है वो वन ऑफ द बेस्ट होती है हाँ उसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर रहे हैं आप लोगों ने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा आज किस वीडियो में भी हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ टी का एक शो आया था एक सीज़न आया था पंचायत नेम से जिसके तीन सीजन अभी तक आ चुके हैं अगर मैं बात करूँ फ़र्स्ट सीज़न की तो दो हज़ार बीस में से रिलीज़ किया गया थर्ड ऑफ़ अप्रैल को और उसके बाद सेकेंड सीज़न आया वो आया जी एटीन ऑफ मई को एंड उसके बाद सेकेंड सीज़न के बाद जब थर्ड सीज़न रिलीज़ किया गया वो किया गया इसी साल में तो, ट्वेंटी एट्थ ऑफ़ मई को 2024 में इसे रिलीज़ कर दिया गया था तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं जी हाँ पंचायत सीजन का नेम है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड आप लोग उसके बारे में जानते ही होंगे आप लोग उस मूवी के बारे में भी जानते हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को पता है इस मूवी के बारे में भी इस सीरीज़ के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना चाहिए इस मूवी को इस सीरीज़ को क्योंकि काफ़ी अच्छी ये सीरीज़ बनाई गई है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी सीरीज के बारे में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि यह सीरीज बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शिगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने फ़र्स्ट सीज़न सेकंड सीजन एंड थर्ड सीज़न की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कास्टिंग पर कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे जितेंद्र कुमार देखने को मिलेंगे रघुबीर यादव देखने को मिलेंगे नीना गुप्ता देखने को मिल जाएंगे चंदन रॉय देखने को मिलेंगे फैसल मलिक देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर इस ड्रामा के अंदर इस सीजन के अंदर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा तो ये एक ड्रामेटिकल सीरीज बनाई गई है जिसके अंदर आप लोगों को ड्रामा भरपूर अंदाज में देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी ड्रामा लवर हैं आप लोगों को ड्रामा देखना पसंद है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी सीरीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस सीरीज़ की आई रेटिंग क्या है और इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज़ की आई रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है यहाँ पर नाइन आउट ऑफ टेन इस सीरीज की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइनटी फोर परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस सीरीज को एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये सीरीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें गूगल के यूज़र्स की परसेंटेज पर तो 94 परसेंट तक इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी सीरीज़ है तो आप लोगों को डेफिनेटली इसे एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें कि इस सीरीज़ की जो है वो आप लोगों को डायरेक्शन को हैंडल करते हुए कौन नज़र आने वाले हैं तो दीपक कुमार मिश्रा इस सीरीज़ की डायरेक्शन को हैंडल करते हुए नज़र आते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने और भी बहुत सारी मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह प्रेजेंट की है जिनमें पंचायत के अलावा हॉस्टल डेज गुल्लक कोटा फैक्ट्री इमेच्योर परमानेंट रोमेट्स और भी ऐसी बहुत सारी जो है वो आप लोगों के सामने सीरीज़ प्रजेंट की है अभी हम आते हैं सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब के ये सीरीज़ किस लैंग्वेज में है और अभी फाइनली ये आप लोगों को कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिल रही है देखने को मिल भी रही है या नहीं इस चीज़ पर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सीरीज जो है वो प्योर हिंदी जुबान की सीरीज बनाई गई है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रही है इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस इस मूवी को को सीरीज एंजॉय कर सकते हैं एमजॉन प्राइम वीडियो पर यह वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई वेल तो जी अगर आप लोग सीरीज वगैरह देखना पसंद करते हैं चाहे वो बॉलीवुड की हो हॉलीवुड की हो या फिर आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज की तरफ से कोई सीरीज देखने को मिल रही हो तो अगर आप लोग सीरीज वगैरह देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों ने ऑब्वियसली टी का नेम तो सुन रखा होगा जिनके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो द वायरल फीवर जो है वो इनका फुल फॉर्म है फ़ीवर आई थिंक बोला जाता है उसे तो द वायरल फ़ीवर जो है वो उनका कंप्लीट नेम है जो कि एक प्रोडक्शन हाउस है एंड यहाँ पर उसी प्रोडक्शन हाउस की जानब से हमें जो भी सीरीज़ देखने को मिलती है वो वन ऑफ़ द बेस्ट होती है हाँ उसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर रहे हैं आप लोगों ने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा आज की इस वीडियो में भी हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ टी का एक शो आया था एक सीज़न आया था पंचायत नेम से जिसके तीन सीजन अभी तक आ चुके हैं अगर मैं बात करूँ फ़र्स्ट सीज़न की तो 2020 में से रिलीज़ किया गया थर्ड ऑफ़ अप्रैल को और उसके बाद सेकेंड सीज़न आया वो आया जी एटीनथ ऑफ मई को एंड उसके बाद सेकेंड सीज़न के बाद जब थर्ड सीज़न रिलीज़ किया गया वो किया गया इसी साल में ट्वेंटी एट्थ ऑफ़ मई को 2024 में इसे रिलीज़ कर दिया गया था तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं जी हाँ पंचायत सीज़न का नेम है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड आप लोग उसके बारे में जानते ही होंगे आप लोग उस मूवी के बारे में भी जानते हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को पता है इस मूवी के बारे में भी इस सीरीज़ के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना चाहिए इस मूवी को इस सीरीज़ को क्योंकि काफ़ी अच्छी ये सीरीज़ बनाई गई Yeah, और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी सीरीज के बारे में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि यह सीरीज बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइन लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शिगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने फ़र्स्ट सीज़न सेकेंड सीजन एंड थर्ड सीजन की कम्प्लीट डिटेल्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कास्टिंग पर कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे जितेंद्र कुमार देखने को मिलेंगे रघुबीर यादव देखने को मिलेंगे नीना गुप्ता देखने को मिल जाएंगे चंदन रॉय देखने को मिलेंगे फैसल मलिक देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर इस ड्रामा के अंदर इस सीज़न के अंदर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा तो ये एक ड्रामेटिकल सीरीज़ बनाई गई है जिसके अंदर आप लोगों को ड्रामा भरपूर अंदाज में देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी ड्रामा लवर हैं आप लोगों को ड्रामा देखना पसंद है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी सीरीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस सीरीज़ की आई रेटिंग क्या है और इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज़ की आई रेटिंग जो है वो काफी अच्छी रखी गई है यहाँ पर नाइन आउट ऑफ टेन बात करें कि इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानवर से नाइनटी फोर परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस सीरीज को एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से यह सीरीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें गूगल के यूज़र्स की परसेंटेज पर तो 94 परसेंट तक इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी सीरीज़ है तो आप लोगों को डेफिनेटली इसे एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें कि इस सीरीज़ की जो है वो आप लोगों को डायरेक्शन को हैंडल करते हुए कौन नज़र आने वाले हैं तो दीपक कुमार मिश्रा इस सीरीज़ की डायरेक्शन को हैंडल करते हुए नज़र आते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने और भी बहुत सारी मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह प्रेजेंट की हैं जिनमें पंचायत के अलावा हॉस्टल डेज गुल्लक कोटा फैक्ट्री इमेचर परमानेंट रोमेट्स और भी ऐसी बहुत सारी जो है वो आप लोगों के सामने सीरीज़ प्रजेंट की हैं अभी हम आते हैं सबसे मेन एंड इंपॉटेंट क्वेश्चन की जानब के ये सीरीज किस लैंग्वेज में है और अभी फाइनली ये आप लोगों को कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिल रही है देखने को मिल भी रही है या नहीं इस चीज़ पर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सीरीज जो है वो प्योर हिंदी जुबान की सीरीज बनाई गई है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रही है इजिली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं एमेजोन प्राइम वीडियो पर यह वहां पर अवेलेबल कर दी गई वेल तो जी अगर आप लोग सीरीज वगैरह देखना पसंद करते हैं चाहे वो बॉलीवुड की हो हॉलीवुड की हो या फिर आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज की तरफ से कोई सीरीज देखने को मिल रही हो तो अगर आप लोग सीरीज वगैरह देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों ने ऑब्वियसली टीवीएफ का नेम तो सुन रहे रखा होगा जिनके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो द वायरल फीवर जो है वो इनका फुल फॉर्म है फीवर आई थिंक बोला जाता है उसे तो द वायरल फ़ीवर जो है वो उनका कंप्लीट नेम है जो कि एक प्रोडक्शन हाउस है एंड यहाँ पर उसी प्रोडक्शन हाउस की जानब से हमें जो भी सीरीज़ देखने को मिलती है वो वन ऑफ द बेस्ट होती है हाँ उसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर रहे हैं आप लोगों ने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा आज किस वीडियो में भी हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ टी का एक शो आया था एक सीज़न आया था पंचायत नेम से जिसके तीन सीजन अभी तक आ चुके हैं अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सीज़न की तो दो हज़ार बीस में उसे रिलीज़ किया गया थर्ड ऑफ़ अप्रैल को और उसके बाद सेकेंड सीज़न आया वो आया जी एटीनथ ऑफ मई को एंड उसके बाद सेकेंड सीज़न के बाद जब थर्ड सीज़न रिलीज़ किया गया वो किया गया इसी साल में तो, ट्वेंटी एट्थ ऑफ मई को 2024 में इसे रिलीज़ कर दिया गया था तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं जी हाँ पंचायत सीजन का नेम है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड आप लोग उसके बारे में जानते ही होंगे आप लोग उस मूवी के बारे में भी जानते हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को पता है इस मूवी के बारे में भी इस सीरीज़ के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना चाहिए इस मूवी को इस सीरीज़ को क्योंकि काफ़ी अच्छी ये सीरीज़ बनाई गई है और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी सीरीज के बारे में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये सीरीज बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड एंड अभी फाइनली ये कहां पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शिगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने फ़र्स्ट सीज़न सेकेंड सीजन एंड थर्ड सीजन की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कास्टिंग पर कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे जितेंद्र कुमार देखने को मिलेंगे रघुबीर यादव देखने को मिलेंगे नीना गुप्ता देखने को मिल जाएंगे चंदन रॉय देखने को मिलेंगे फैसल मलिक देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर इस ड्रामा के अंदर इस सीज़न के अंदर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा तो ये एक ड्रामेटिकल सीरीज़ बनाई गई है जिसके अंदर आप लोगों को ड्रामा भरपूर अंदाज में देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी ड्रामा लवर हैं आप लोगों को ड्रामा देखना पसंद है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी सीरीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस सीरीज़ की आई रेटिंग क्या है और इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज़ की आई रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है यहाँ पर नाइन आउट ऑफ इस सीरीज़ की आई अच्छी खासी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस सीरीज को गूगल के यूज़र्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइन्टी फोर परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस सीरीज को एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये सीरीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें गूगल के यूज़र्स की परसेंटेज पर तो 94 परसेंट तक इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी सीरीज़ है तो आप लोगों को डेफिनेटली इसे एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें कि इस सीरीज़ की जो है वो आप लोगों को डायरेक्शन को हैंडल करते हुए कौन नज़र आने वाले हैं तो दीपक कुमार मिश्रा इस सीरीज़ की डायरेक्शन को हैंडल करते हुए नज़र आते हैं जिन्होंने अपना किरदार और बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने और भी बहुत सारी मूवीज और सीरीज वगैरह प्रेजेंट की है जिनमें पंचायत के अलावा हॉस्टल डेज गुल्लक कोटा फैक्ट्री इमेच्योर परमानेंट रोमेट्स और भी ऐसी बहुत सारी जो है वो आप लोगों के सामने सीरीज प्रजेंट की है अभी हम आते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब के ये सीरीज किस लैंग्वेज में है और अभी फाइनली ये आप लोगों को कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिल रही है देखने को मिल भी रही है या नहीं इस चीज पर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सीरीज जो है वो प्योर हिंदी जुबान की सीरीज बनाई गई है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रही है इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं एमेजॉन प्राइम वीडियो पर यह वहां पर अवेलेबल कर दी गई वेल तो जी अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं चाहे वो बॉलीवुड की हो हॉलीवुड की हो या फिर आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से कोई सीरीज़ देखने को मिल रही हो तो अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों ने ऑब्वियसली टी का नेम तो सुन रखा होगा जिनके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो द वायरल फीवर जो है वो इनका फुल फॉर्म है फीवर आई थिंक बोला जाता है उसे तो द वायरल फीवर जो है वो उनका कम्प्लीट नेम है जो कि एक प्रोडक्शन हाउस है एंड यहाँ पर उसी प्रोडक्शन हाउस की जानब से हमें जो भी सीरीज़ देखने को मिलती है वो वन ऑफ द बेस्ट होती है हाँ उसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर रहे हैं आप लोगों ने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा आज किस वीडियो में भी हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ टी का एक शो आया था एक सीज़न आया था पंचायत नेम से जिसके तीन सीजन अभी तक आ चुके हैं अगर मैं बात करूँ फ़र्स्ट सीज़न की तो दो हज़ार बीस में से रिलीज़ किया गया थर्ड ऑफ़ अप्रैल को और उसके बाद सेकेंड सीज़न आया वो आया जी एटीनथ ऑफ मई को एंड उसके बाद सेकेंड सीज़न के बाद जब थर्ड सीज़न रिलीज़ किया गया वो किया गया इसी साल में ट्वेंटी एट्थ ऑफ़ मई को 2024 में इसे रिलीज़ कर दिया गया था तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं जी हाँ पंचायत सीजन का नेम है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड आप लोग उसके बारे में जानते ही होंगे आप लोग उस मूवी के बारे में भी जानते हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को पता है इस मूवी के बारे में भी इस सीरीज़ के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना चाहिए इस मूवी को इस सीरीज़ को क्योंकि काफ़ी अच्छी ये सीरीज़ बनाई गई है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी सीरीज के बारे में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि यह सीरीज बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लगे लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शिगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने फर्स्ट सीजन सेकंड सीजन एंड थर्ड सीज़न की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कास्टिंग पर कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे जितेंद्र कुमार देखने को मिलेंगे रघुबीर यादव देखने को मिलेंगे नीना गुप्ता देखने को मिल जाएंगी चंदन रॉय देखने को मिलेंगे फैसल मलिक देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर इस ड्रामा के अंदर इस सीज़न के अंदर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा तो ये एक ड्रामेटिकल सीरीज़ बनाई गई है जिसके अंदर आप लोगों को ड्रामा भरपूर अंदाज में देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी ड्रामा लवर हैं आप लोगों को ड्रामा देखना पसंद है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी सीरीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस सीरीज़ की आई रेटिंग क्या है और इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज़ की आई रेटिंग जो है काफी अच्छी रखी गई है यहां पर नाइन आउट ऑफ टेन इस सीरीज की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइनटी फोर परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस सीरीज को एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से यह सीरीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें गूगल के यूजर्स की परसेंटेज पर तो 94 परसेंट तक इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी सीरीज है तो आप लोगों को डेफिनेटली इसे एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें कि इस सीरीज की जो है वो आप लोगों को डायरेक्शन को हैंडल करते हुए कौन नजर आने वाले हैं तो दीपक कुमार मिश्रा इस सीरीज की डायरेक्शन को हैंडल करते हुए नज़र आते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने और भी बहुत सारी मूवीज और सीरीज वगैरह प्रेजेंट की है जिनमें पंचायत के अलावा हॉस्टल डेज गुल्लक कोटा फैक्ट्री इमेच्योर परमानेंट रोमेट्स और भी ऐसी बहुत सारी जो है वो आप लोगों के सामने सीरीज प्रेजेंट की है अभी हम आते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब के ये सीरीज किस लैंग्वेज में है और अभी फाइनली ये आप लोगों को कहां पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिल रही है देखने को मिल भी रही है या नहीं इस चीज पर हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सीरीज जो है वो प्योर हिंदी जुबान की सीरीज बनाई गई है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रही है इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई वेल तो जी अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं चाहे वो बॉलीवुड की हो हॉलीवुड की हो या फिर आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से कोई सीरीज़ देखने को मिल रही हो तो अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों ने ऑब्वियसली टीवीएफ का नेम तो सुन रखा होगा जिनके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो द वायरल फीवर जो है वो इनका फुल फॉर्म है फीवर आई थिंक बोला जाता है उसे तो द वायरल फ़ीवर जो है वो उनका कम्प्लीट नेम है जो कि एक प्रोडक्शन हाउस है एंड यहाँ पर उसी प्रोडक्शन हाउस की जानब से हमें जो भी सीरीज़ देखने को मिलती है वो वन ऑफ द बेस्ट होती है हाँ उसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर रहे हैं आप लोगों ने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा आज किस वीडियो में भी हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ टी का एक शो आया था एक सीज़न आया था पंचायत नेम से जिसके तीन सीजन अभी तक आ चुके हैं अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सीज़न की तो 2020 में से रिलीज़ किया गया थर्ड ऑफ़ अप्रैल को और उसके बाद सेकेंड सीज़न आया वो आया जी एटीन ऑफ मई को एंड उसके बाद सेकेंड सीज़न के बाद जब थर्ड सीज़न रिलीज़ किया गया वो किया गया इसी साल में ट्वेंटी एट्थ ऑफ़ मई को 2024 में इसे रिलीज़ कर दिया गया था तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं जी हाँ पंचायत सीज़न का नेम है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड आप लोग उसके बारे में जानते ही होंगे आप लोग उस मूवी के बारे में भी जानते हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को पता है इस मूवी के बारे में भी इस सीरीज़ के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना चाहिए इस मूवी को इस सीरीज़ को क्योंकि काफ़ी अच्छी ये सीरीज़ बनाई गई Yeah. और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी सीरीज के बारे में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि यह सीरीज बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइन लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शिगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने फ़र्स्ट सीज़न सेकेंड सीजन एंड थर्ड सीजन की कम्प्लीट डिटेल्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कास्टिंग पर कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे जितेंद्र कुमार देखने को मिलेंगे रघुबीर यादव देखने को मिलेंगे नीना गुप्ता देखने को मिल जाएंगे चंदन रॉय देखने को मिलेंगे फैसल मलिक देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर इस ड्रामा के अंदर इस सीज़न के अंदर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा तो ये एक ड्रामेटिकल सीरीज़ बनाई गई है जिसके अंदर आप लोगों को ड्रामा भरपूर अंदाज में देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी ड्रामा लवर हैं आप लोगों को ड्रामा देखना पसंद है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी सीरीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस सीरीज़ की आई रेटिंग क्या है और इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज़ की आई रेटिंग जो है वो काफी अच्छी रखी गई है यहां पर नाइन आउट ऑफ टेन सीरीज की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी आई एमडीबी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानव से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइनटी फोर परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस सीरीज को एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से यह सीरीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें गूगल के यूजर्स की परसेंटेज पर तो 94 परसेंट तक इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी सीरीज़ है तो आप लोगों को डेफिनेटली इसे एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें कि इस सीरीज़ की जो है वो आप लोगों को डायरेक्शन को हैंडल करते हुए कौन नजर आने वाले हैं तो दीपक कुमार मिश्रा इस सीरीज़ की डायरेक्शन को हैंडल करते हुए नज़र आते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने और भी बहुत सारी मूवीज और सीरीज वगैरह प्रेजेंट की हैं जिनमें पंचायत के अलावा हॉस्टल डेज गुल्लक कोटा फैक्ट्री इमेचर परमानेंट रोमेट्स और भी ऐसी बहुत सारी जो है वो आप लोगों के सामने सीरीज प्रजेंट की है अभी हम आते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब के ये सीरीज किस लैंग्वेज में है और अभी फाइनली ये आप लोगों को कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिल रही है देखने को मिल भी रही है या नहीं इस चीज़ पर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये सीरीज जो है प्योर हिंदी जुबान की सीरीज बनाई गई है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रही है ईजिली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को इस सीरीज को इंजॉय कर सकते हैं एमेजॉन प्राइम वीडियो पर यह वहां पर अवेलेबल कर दी गई वेल तो जी अगर आप लोग सीरीज वगैरह देखना पसंद करते हैं चाहे वो बॉलीवुड की हो हॉलीवुड की हो या फिर आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज की तरफ से कोई सीरीज देखने को मिल रही हो तो अगर आप लोग सीरीज वगैरह देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों ने ऑब्वियसली टीवीएफ का नेम तो सुन रखा होगा जिनके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो द वायरल फीवर जो है वो इनका फुल फॉर्म है फीवर आई थिंक बोला जाता है उसे तो द वायरल फीवर जो है वो उनका कंप्लीट नेम है जो कि एक प्रोडक्शन हाउस है एंड यहां पर उसी प्रोडक्शन हाउस की जानब से हमें जो भी सीरीज देखने को मिलती है वो वन ऑफ द बेस्ट होती है हां उसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर रहे हैं आप लोगों ने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा आज की इस वीडियो में भी हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ टी का एक शो आया था एक सीज़न आया था पंचायत नेम से जिसके तीन सीजन्स अभी तक आ चुके हैं अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सीज़न की तो 2020 में उसे रिलीज़ किया गया थर्ड ऑफ़ अप्रैल को और उसके बाद सेकेंड सीज़न आया वो आया जी एटीनथ ऑफ मई को एंड उसके बाद सेकेंड सीज़न के बाद जब थर्ड सीज़न रिलीज़ किया गया वो किया गया इसी साल में तो, ट्वेंटी एट्थ ऑफ मई को 2024 में इसे रिलीज़ कर दिया गया था तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं जी हाँ पंचायत सीजन का नेम है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड आप लोग उसके बारे में जानते ही होंगे आप लोग उस मूवी के बारे में भी जानते हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को पता है इस मूवी के बारे में भी इस सीरीज़ के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना चाहिए इस मूवी को इस सीरीज़ को क्योंकि काफ़ी अच्छी ये सीरीज़ बनाई गई है और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी सीरीज के बारे में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये सीरीज बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई, रिलीज की की गई गई किस लैंग्वेज में एंड अभी फाइनली कहा यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइट लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शिगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने फ़र्स्ट सीज़न सेकेंड सीजन एंड थर्ड सीजन की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कास्टिंग पर कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे जितेंद्र कुमार देखने दे को मिलेंगे रघुबीर यादव देखने को मिलेंगे नीना गुप्ता देखने को मिल जाएंगे चंदन रॉय देखने को मिलेंगे फैसल मलिक देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर इस ड्रामा के अंदर इस सीज़न के अंदर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा तो ये एक ड्रामेटिकल सीरीज़ बनाई गई है जिसके अंदर आप लोगों को ड्रामा भरपूर अंदाज में देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी ड्रामा लवर हैं आप लोगों को ड्रामा देखना पसंद है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी सीरीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस सीरीज़ की आई रेटिंग क्या है और इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज़ की आई रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है यहाँ पर नाइन आउट ऑफ इस सीरीज़ की आई अच्छी खासी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस सीरीज को गूगल के यूज़र्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइन्टी फोर परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस सीरीज को एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से ये सीरीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें गूगल के यूज़र्स की परसेंटेज पर तो 94 परसेंट तक इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी सीरीज़ है तो आप लोगों को डेफिनेटली इसे एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें कि इस सीरीज़ की जो है वो आप लोगों को डायरेक्शन को हैंडल करते हुए कौन नज़र आने वाले हैं तो दीपक कुमार मिश्रा इस सीरीज़ की डायरेक्शन को हैंडल करते हुए नज़र आते हैं जिन्होंने अपना किरदार और बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने और भी बहुत सारी मूवीज और सीरीज वगैरह प्रेजेंट की है जिनमें पंचायत के अलावा हॉस्टल डेज गुल्लक कोटा फैक्ट्री इमेच्योर परमानेंट रोमेट्स और भी ऐसी बहुत सारी जो है वो आप लोगों के सामने सीरीज प्रजेंट की है अभी हम आते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब के ये सीरीज किस लैंग्वेज में है और अभी फाइनली ये आप लोगों को कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिल रही है देखने को मिल भी रही है या नहीं इस चीज़ पर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सीरीज जो है वो प्योर हिंदी जुबान की सीरीज बनाई गई है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रही है इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई वेल तो जी अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं चाहे वो बॉलीवुड की हो हॉलीवुड की हो या फिर आप लोगों को साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से कोई सीरीज़ देखने को मिल रही हो तो अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों ने ऑब्वियसली टी का नेम तो सुन रखा होगा जिनके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो द वायरल फीवर जो है वो इनका फुल फॉर्म है फीवर आई थिंक बोला जाता है उसे तो द वायरल फ़ीवर जो है वो उनका कम्प्लीट नेम है जो कि एक प्रोडक्शन हाउस है एंड यहाँ पर उसी प्रोडक्शन हाउस की जानब से हमें जो भी सीरीज़ देखने को मिलती है वो वन ऑफ़ द बेस्ट होती है हाँ उसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर रहे हैं आप लोगों ने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा आज किस वीडियो में भी हम उसी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ टी का एक शो आया था एक सीज़न आया था पंचायत नेम से जिसके तीन सीजन अभी तक आ चुके हैं अगर मैं बात करूँ फ़र्स्ट सीज़न की तो दो हज़ार बीस में से रिलीज़ किया गया थर्ड ऑफ अप्रैल को और उसके बाद सेकेंड सीज़न आया वो आया जी एटीनथ ऑफ मई को एंड उसके बाद सेकेंड सीज़न के बाद जब थर्ड सीज़न रिलीज़ किया गया वो किया गया इसी साल में ट्वेंटी एट्थ ऑफ़ मई को 2024 में इसे रिलीज़ कर दिया गया था तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में ही डिस्कशन भी करने वाले हैं जी हाँ पंचायत सीजन का नेम है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड आप लोग उसके बारे में जानते ही होंगे आप लोग उस मूवी के बारे में भी जानते हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को पता है इस मूवी के बारे में भी इस सीरीज़ के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना चाहिए इस मूवी को इस सीरीज़ को क्योंकि काफ़ी अच्छी ये सीरीज़ बनाई गई है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी सीरीज के बारे में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि यह सीरीज बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लगे लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शिगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने फर्स्ट सीजन सेकेंड सीज़न एंड थर्ड सीज़न की कम्प्लीट डिटेल्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कास्टिंग पर कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे जितेंद्र कुमार देखने को मिलेंगे रघुबीर यादव देखने को मिलेंगे नीना गुप्ता देखने को मिल जाएंगी चंदन रॉय देखने को मिलेंगे फैसल मलिक देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर इस ड्रामा के अंदर इस सीज़न के अंदर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा तो ये एक ड्रामेटिकल सीरीज़ बनाई गई है जिसके अंदर आप लोगों को ड्रामा भरपूर अंदाज में देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी ड्रामा लवर हैं आप लोगों को ड्रामा देखना पसंद है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी सीरीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम बात करें यहाँ पर आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस सीरीज़ की आई रेटिंग क्या है और इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस सीरीज़ की आई रेटिंग जो है काफी अच्छी रखी गई है यहां पर नाइन आउट ऑफ रेटिंग है नाइन्टी फोर परसेंट तक लाइक किया, तो किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस सीरीज को एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे से यह सीरीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें गूगल के यूज़र्स की परसेंटेज पर तो 94 परसेंट तक इस सीरीज़ को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी सीरीज़ है तो आप लोगों को डेफिनेटली इसे एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें कि इस सीरीज़ की जो है वो आप लोगों को डायरेक्शन को हैंडल करते हुए कौन नज़र आने वाले हैं तो दीपक कुमार मिश्रा इस सीरीज़ की डायरेक्शन को हैंडल करते हुए नज़र आते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने और भी बहुत सारी मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह प्रेजेंट की है जिनमें पंचायत के अलावा हॉस्टल डेज गुल्लक कोटा फैक्ट्री इमेचर परमानेंट रोमेट्स और भी ऐसी बहुत सारी जो है वो आप लोगों के सामने सीरीज़ प्रजेंट की है अभी हम आते हैं सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब के ये सीरीज़ किस लैंग्वेज में है और अभी फाइनली ये आप लोगों को कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देखने को मिल रही है देखने को मिल भी रही है या नहीं इस चीज़ पर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सीरीज जो है वो प्योर हिंदी जुबान की सीरीज बनाई गई है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रही है इजीली अवेलेबल है आप लोग जाकर इस मूवी को इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई